ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज हम सोम का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, और डिफ्लेक्शन भी साथ में कवर करेंगे। डिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट को भी मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से मेरा कंटेंट बनता है जनरली। तो लेट नहीं करते गाइस, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, थोड़ा सा परेशान होंगे, थोड़ा सा दिमाग की दही भी होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर तो नहीं कहेंगे, आसान चैप्टर है अगर एक बार समझ जाते हो तो, अदरवाइज थोड़ी बहुत शुरू में दिक्कत होती है। और लास्ट में हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो ये लेंदी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस भी कराने हैं और थ्योरेटिकल भी चीजें पढ़ानी है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, बट आप धैर्य रखना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, चीजों को समझने की कोशिश करना। फिर दिक्कत आता है तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाए आप, वहाँ पे हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, वहाँ भी हम कुछ अपडेट आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो अपन रिवीजन किया जाए कुछ चीजें रिवीजन कर लेते ताकि हमको याद रहे। एक बात बताओ, सबसे पहला चीज बताओ, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। मैक्सिमम बेंडिंग सिग्मा मैक्स इस तरीके से लिखते थे ना, या सिग्मा बी लिखते थे, क्या फॉर्मूला होता था? मूवमेंट अपॉन जेड एक्स एक्स मॉडुलस, यही होता था। वेयर फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए जेड एक्सेस की वैल्यू क्या होती थी, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू क्या होती थी, सर्कुलर कह रहा हूं, रेक्टेंगुलर सेक्शन का बीडी स्क्वायर अपॉन सिक्स, सर्कुलर सेक्शन की बात किया जाए तो पाई बाई 32 डी का क्यूब, है ना, ये सब होता था। और यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं भाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, तो अपन एक फॉर्मूला लिखते थे कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एवरेज टाउ, और यही रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या हो जाता, 3/2 एवरेज क्या हो जाता, एवरेज शियर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो जाता बी डी, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दो फॉर्मूला हमने और देखा था, फ्लेक्सरल फॉर्मूला और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, क्या क्या था, टॉर्शन का जो फॉर्मूला था दैट इज पी अपॉन जे विच इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर विच इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, याद है नहीं ये सब फॉर्मूला, भूल तो नहीं गए हो, सारे फॉर्मूला यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे गाइस, ठीक है, सारे फॉर्मूला यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे। एक ये था दैट इज m upon i which is equal to e upon r which is equal to sigma max या sigma bending upon y max, ये फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूलाज है गाइस जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये था, हमने पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस जब पढ़ रहे थे तब, ठीक है, जिसको अपन लोग कहते थे इसको फ्लेक्सरल फॉर्मूला। फिर जब हम टॉर्सनल वाला टॉपिक पढ़ने आए थे तो हम ये टॉर्सनल पढ़े थे, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस फॉर्मूला भी कहा जाता है इसको, इनके बीच का रिलेशन, वेयर दिस इज टॉर्शन, ओके, एंड दिस टाउ मैक्स इज द टॉर्शनल मैक्सिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, हियर एम इज द मूवमेंट एंड सिग्मा मैक्स इज द बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज टॉर्शन स्ट्रेस, ठीक है, ई इज द यंग्स मॉडुलस, हियर जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज ट्विस्टिंग एंगल, टॉर्सन की बात करें तो थीटा ट्विस्टिंग, एल लेंथ ऑफ बार, आर रेडियस, जे क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आर इज द रेडियस, वाई न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस, है ना, ये सब फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, तो बस आपको यही चीज आपको रिविजन कराना था। नाउ टाइप ऑफ बीम, कितने टाइप का बीम होता है, ऑलरेडी जब हम लोड स्टार्ट चैप्टर पढ़े थे तो मैंने उसमें लोड में बताया था कितने टाइप के बीम होते हैं और बीम में रिएक्शंस वगैरह किस तरीके से होता है, यहाँ भी आपको बताऊंगा। ये देख लीजिए टाइप ऑफ बीम देखा जाए तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, एक तरफ से फिक्स होता है, एक तरफ से हिंज होता है, इस तरीके से
कैंटिलीव फ्री होता है, एक तरफ से फ्री होता है, एक तरफ से फिक्स होता है कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों तरफ से इस तरीके सपोर्ट दिखा दिखता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवरहैंगिंग बीम इस तरीके से, देखिए हैंग है ना दोनों तरफ, इसको ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। कंटिन्यूअस बीम इस तरीके से कंटिन्यूअस सपोर्ट लगा हो तो इसको कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। फिक्स एंड, दोनों एंड अगर फिक्स है तो फिक्स एंड बीम कहते हैं। कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, ये कैंटिलीवर है और यहाँ पे ये भी लगा दिया तो ये सिंपली सपोर्टेड की तरह। ये आपको टोटल दो दो चार दो छह तरीके के बीम आपको पता होना चाहिए कौन सा बीम किस तरीके का दिखता है, ठीक है। नाउ रिएक्शन की बात किया जाए, अब ये सपोर्ट, जो ये सपोर्ट लगा हुआ है, ये सपोर्ट भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जनरली रोलर सपोर्ट, पिन सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। ये तीन तरीके का जनरली हमारा सपोर्ट हम यूज करते हैं, ये तीन तरीके का। और तीनों में आप रिएक्शन भी देख सकते हो। जो रोलर सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है, अपन जो रोलर सपोर्ट लगाते हैं, जैसे ये हो गया रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट क्या होता है गाइस? रोलर सपोर्ट पे अगर आप लोड लगा रहे हो, रोलर सपोर्ट पे लोड लगा रहे हो, तो रोलर सपोर्ट क्या होता है, एक तरह मान लीजिए इस तरीके से फिक्स है, तो ये क्या हो सकता है, ये इधर और इधर मूव नहीं हो सकता है ना, ये सिर्फ वर्टिकल मूव इस पे लाइक रजिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझते हैं, ये सब क्या है, ये सब रेजिस्टिंग फोर्स है ना, रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, रेजिस्ट करता है फोर्स को। ये क्या है, रोलर, ये इधर भी मूव हो सकता है और आगे इस इधर भी मूव हो सकता है, बट ये रोलर वर्टिकल मूव नहीं हो सकता। उल्टा क्यों बोल रहा हूँ यार, ओके सही बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन जो रेजिस्ट करे, ना जाने दे, तो ये रोलर लगा हुआ है ना, ये रोलर किसे लगा है कि जमीन पे रोटेट हो, जमीन पे रोल हो, तो जमीन पे ही रहेगा ना, तो ये रोल हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, बट वाई डायरेक्शन में ये मूव नहीं हो सकता, इसलिए हमें एक वाई एफ ये रिएक्शन देना पड़ेगा। वैसे ही पिन और हिंज, पिन और हिंज सपोर्ट की बात करें तो उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन आते हैं। पिन है इस पॉइंट से, ये क्या हो सकता है, ना ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक हमारा दो रिएक्शन लगे हुए हैं जो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, है ना। वैसे ही अगर हम फिक्स सपोर्ट की बात करें, इस तरीके से अगर एक फिक्स है, तो ये फिक्स सपोर्ट होने की वजह से अगर आप यहाँ पे लोड लगाते हो, यहाँ पे लोड लगाते हो, तो ये ना हॉरिजेंटल मूव हो सकता है, ना वर्टिकल मूव हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, बेंडिंग भी हो। ये तीन चीज, तो फिक्स सपोर्ट में हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड मूवमेंट, ये तीन तरीके के रिएक्शन मिलते हैं। पिन सपोर्ट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिएक्शन मिलते हैं, और रोलर सपोर्ट में हमारे वर्टिकल रिएक्शन मिलते हैं। आप ये चीज माइंड में एकदम अच्छे से बसा लो। और फिक्स सपोर्ट की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आपको मिलता है बिकॉज ऑफ वर्टिकल लोड, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ लोड हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड मूवमेंट इसमें लगा सकते हो। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लोड लगेगा, इसमें वर्टिकल लोड, ठीक है। उसके वजह से ये सब रिएक्शन होता है, और ये सब रिएक्शन आपको याद होगा। रोलर सपोर्ट में तुरंत माइंड में आना चाहिए, रोलर ऊपर की ओर मूव नहीं करता है, मतलब ऊपर की ओर एफ वी वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन लग रहा होगा। पिन है तो पिन ना ही वो वर्टिकल जा सकता है, ना ही वो हॉरिजेंटल जा सकता है। अगर फिक्स है तो ना ही वो वर्टिकल जा सकता है, ना ही वो हॉरिजेंटल जा सकता है, ना ही वो बेंड, ठीक है। इस तरीके से ये सब फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, ये सब रिएक्शन फोर्सेस है, ठीक है। अपन ने एक चीज पढ़ा था, टाइप ऑफ लोड जब पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ लोड जब हम पढ़ रहे थे, तो टाइप ऑफ लोड में हमने लास्ट में जो इसेंट्रिक ट्रांसवर्स था, है ना, टाइप ऑफ लोड में टाइम के अकॉर्डिंग हमने देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है। कैसा? एक कंसंट्रेशन लोड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस तरीके से लोड को हम दो क्राइटेरिया में बांटे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। कंसंट्रेशन लोड में हमारा आता है पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट मूवमेंट, पॉइंट लोड एंड पॉइंट मूवमेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन लोड में हमारा आता है कौन कौन सा? यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अभी मैं दिखाऊंगा कौन कैसा दिखता है, ठीक है। यूडीएम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, एक होता है एनयूडीएम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक मैंने बीम बनाया और इस बीम पे बहुत सारे टाइप के आपको लोड दिखाया। ये जो है ये है पॉइंट लोड, एक पॉइंट पे लगा हुआ है, और सिर्फ एक मूवमेंट दिखे तो आप कहोगे पॉइंट मूवमेंट। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब ये क्या ऐसा है, यूडीएल है यूनिफॉर्मली क्योंकि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये देखिए इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और इस तरीके से मूवमेंट खूब सारे लगे हो तो इनको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, ये इस तरीके का होता है, ये लोड कुछ इस तरीके का लग गया है, ठीक है।
इस तरीके का लोड लगता है, ये इस तरीके का जो लोड लगता है ना कर्व बना के, ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ लोड दिखे, देखो ये पॉइंट लोड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट मूवमेंट लग रहा है तो डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं। बट इस तरीके से खूब सारे यूडीएल लगे हैं, खूब सारे लोड इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करें? तो ऐसे जब यूनिफॉर्मली इस तरीके के खूब सारे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिखे ना, तो इनमें कुछ नहीं, इनको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया करो। जैसे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है लोड कितना लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोड लगा हुआ है यूनिफॉर्मली, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो। तो जो पॉइंट में जब कन्वर्ट करोगे तो जितना इसका लेंथ होगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर इसका लेंथ L है, दिस इज L लेंथ है, तो ये पॉइंट में जब कन्वर्ट करोगे ना तो इस तरीके से उसको दिखाना, और लोड किया था W किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये हो जाएगा W लोड, और कितने लेंथ पे लग रहा है, L लेंथ पे लग रहा है, तो W L। तो लीजिए ये जो लोड था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से कन्वर्ट कर देना। ठीक है, वैसे ही हमारा ये जो लोड लगा है इसकी ये भी लेंथ L पे लगा हुआ है, ये जो लोड लगा है हमारा ये भी लेंथ L पे लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगर UVL लगा हो यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड लगा हो, इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो इसके लिए भी एक लाइन इस तरीके से कर दो, ये लो मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी इस पॉइंट लोड जो आपने कन्वर्ट कर दिया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी गाइस WL अपॉन 2 होगी, ये पूरा कितना लेंथ है, L है। ठीक है, इस तरीके से आप यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड के लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हो WL बाई 2 पे। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो W इंटू L दिस लेंथ, और ये टोटल लेंथ का हाफ। ठीक है, वैसे ही मूवमेंट लग रहा हो, तो मूवमेंट लग रहा हो तो मूवमेंट को क्या करोगे, मूवमेंट को भी सिंगल मूवमेंट में कन्वर्ट करोगे, इतने सारे मूवमेंट लगे हैं इनको भी सिंगल मूवमेंट में कन्वर्ट कर दो, तो ये लीजिए मैं सिंगल मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, जितने मूवमेंट जो भी मूवमेंट की वैल्यू दी होगी पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट का, मूवमेंट इनटू ओवरऑल लेंथ जो लेंथ पे लगा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देना, वेयरिंग को भी पॉइंट में कन्वर्ट कर देना, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट को भी आप एक सिंगल पॉइंट मूवमेंट में कन्वर्ट कर देना, और फिर बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो ठीक है, बट गाइस पूछते हैं कि भाई ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के आपने जो ये पॉइंट लोड कन्वर्ट किया है, ये इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है और इसको जब आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए हैं, तो भाई वो कितनी दूरी पे लगा हुआ है, ये जो कहाँ पे लगा हुआ, मतलब ये पूरे यूनिफॉर्मली यहाँ से यहाँ एल लेंथ था इसका, ये जो पॉइंट लोड है वो कहाँ पे लग रहा है, तो कुछ नहीं, आपको अगर कहना है ये जो पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड L अपॉन 2 पे लगा है, किसके केस में, यूनिफॉर्मली के केस में, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड के केस में ये जो पॉइंट लोड लगा है वो कितना लगा है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको ये हो जाएगा 2L बाई 3। ठीक है, और अगर इधर से पूछे कि भाई इधर से कितने पे लगा है, तो इधर से अगर कोई पूछे आपसे कितने पे लगा है, तो बोलना L बाई 3। ठीक है, किस जगह पे लगा हुआ है, वैसे अगर आपसे मूवमेंट का पूछे ये सिंगल पॉइंट मूवमेंट कहाँ लगा है, ये पूरा L है, ये L बाई 2 पे लगा हुआ है, L बाई 2 जगह पे लगा हुआ। ठीक है, अब ये देखिए ये यूनिफॉर्मली जो वेयरिंग है ये इस तरीके से था, इसलिए 2L बाई 3 इधर से लग रहा है, अगर ये इस तरीके से होता, अगर ये इस तरीके से होता, ठीक है, और आप यहाँ पे पॉइंट लोड लगाते, फिर मैं पूछता कि बताओ इस साइड से ये कितना डिस्टेंस है, तो क्या बताते हैं, यस गाइस इसी का अपोजिट कर दो, ये L बाई 3 पे लगा हुआ है, और छोटे साइज जो फ्लैट साइज है इधर से ये कितना डिस्टेंस है, 2L बाई 3 पे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तुरंत पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दोगे ना तो फिर मूवमेंट फॉर मूवमेंट ले लो दिस पॉइंट के अबव, और सारे को मूवमेंट लेके आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो हर चीज। अगर कोई डिस्टेंस पूछे कि भाई ये जो पॉइंट लोड आपने लगाया है इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो L बाई 2 यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट से क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको पता ही होगा, उसमें जो भी लेंथ होगा उसका हाफ जोड़ देना, काम खत्म। इसमें कहाँ लगा है, तो 2L बाई 3 इधर से, अगर इधर से पूछे तो इतने को प्लस कर देना, इधर से पूछे तो इतने को प्लस कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक फिगर और आपको इधर साइड में दिख रहा होगा, ये भी फिगर इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है किसका क्या होता, क्योंकि आपके पास एग्जाम के टाइम ना इतना वो नहीं मिलेगा कि आप सॉल्व करो। ठीक है, ये देखिए, तो अगर इस तरीके का लोड लग रहा है, लोड अगर पॉइंट लोड लग रहा है और बीम आपको कैसा दिख रहा है, ये देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है जैसा बीम था,
इस पॉइंट लोड अगर लग रहा है, इसका शियर फोर्स और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है इस तरीके, शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके, कॉन्स्टेंट लीनियर इस तरीके का डायग्राम बनता है, ठीक है। जहां पे पॉइंट लोड लगाया हो वहां से आपका ये चेंज हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। और जहां पे ये चेंज हुआ है शियर फोर्स, वहीं पे बेंडिंग मैक्सिमम देगा, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग देगा इसी जहां पे लोड लगाए हो, ठीक है। इस तरीके से अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाए हो सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके का ट्रायंगल, जहां पे इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हो ना यूनिफॉर्मली को, तो पॉइंट लोड पे जहां कन्वर्ट करते हो वहां से इस तरीके से ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव हो जाएगा, और इसी पॉइंट पे लेकिन इस बार पैराबोलिक, पॉइंट लोड में लीनियर ग्राफ देता है बेंडिंग मोमेंट का, यूनिफॉर्मली में पैराबोलिक बनता है और सेंटर पे जहां पे सेंटर पे उसके मैक्सिमम मोमेंट देता है। यूनिफॉर्मली बैरिंग लोड की बात किया जाए, यूनिफॉर्मली बैरिंग लोड का जो शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके का बनता है, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कुछ इस तरीके का बनता है। आगे अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो अपन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले जो रिएक्शन कैलकुलेट करना पहले सीख लेते हैं, बीम में किस तरीके से रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन कैलकुलेट करना अगर आप सीख जाओगे तो उसके बाद डायग्राम बनाना आप विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन आप इजीली बना सकते हो डायग्राम ये सब, ठीक है। बट अपन को एग्जाम में डायग्राम बनाना और रिएक्शन निकालना और डायग्राम बनाने वाला काम नहीं करना है, हमें याद होना चाहिए किसका किस तरीके से होता है। बट आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ थियोरेटिकल, तो मैं आपको एक बार एक दो का सिखाऊंगा, बाकी का याद करवाऊंगा, ठीक है। ये देखिए कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे W लोड यहाँ पे लग रहा है और इसका जो लेंथ है वो L लेंथ है, L लेंथ पे कैंटिलीवर बीम दिख रहा है ना, कैंटिलीवर बीम के लिए कर रहे हैं। तो कैंटिलीवर बीम में इस लोड की वजह से, इस वर्टिकल लोड की वजह से एक वर्टिकल यहाँ पे रिएक्शन बनेगा जिसको आर वी हम लिखेंगे, वर्टिकल रिएक्शन रेजिस्ट होगा। और क्योंकि ये बैंड भी होगा, ये इस डायरेक्शन में बैंड होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग आएगा मूवमेंट, इसको अपन रेजिस्टिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। That is MA. जो भी लोड लगाओगे ना गाइस, उस बॉडी को उस डायरेक्शन में मूव करने से रोकेगा रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। ये लोड लगाने से क्या होगा, ये नीचे आना चाहेगा तो नीचे ये क्या, ये जो फिक्स वॉल है इस पे एक रेजिस्टिंग एक्ट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो इसको नीचे आने से रोकेगा। उसी तरह इस लोड लगाने से ये नीचे की ओर बैंड होना चाहेगा, बट ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बैंड होने से बचाएगा, इसलिए एक रेजिस्टिंग मूवमेंट लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम करता है। तो करो क्या कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनको जीरो को इक्वल कर दो, तो आप देखोगे यहाँ क्या W नीचे की ओर आ रहा है, इसको मैंने प्लस में रख लिया है, और आर भी ऊपर की ओर जा रहा है। आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग लेना है आपको, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। नीचे आ रहा, आप ऊपर जा रहे हो तो ऊपर चाहो तो ऊपर वाले को प्लस ले लो, नीचे वाले को माइनस ले लो, कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने लेकिन अपोजिट है तो उसका साइन भी अलग अलग करना। तो ये देखो नीचे आ रहा था तो मैंने प्लस ले लिया, ऊपर जा रहा था तो माइनस ले लिया। Therefore, जो रिएक्शन वी, जो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी जो लोड लगा है उसी के बराबर, ठीक है। ये लीजिए आ गया। और मैं पूछूं कि मूवमेंट बताइए, मूवमेंट क्या हो रहा है, तो मूवमेंट क्या, जो रेजिस्टिंग मूवमेंट होता है गाइस वो क्या होता है, जो लोड लगाए हो आप, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, जो भी लोड लगा है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो लोड लग रहा है, दिस लोड इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मूवमेंट अबाउट, इस पॉइंट को ओ ना लिखकर ए लिखते हैं, तो मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो लोड लगाया और लोड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लीजिए आपका मूवमेंट निकल गया कैंटिलीवर बीम का, मूवमेंट और उसकी रिएक्शन भी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कैंटिलीवर बीम ही है, ये भी हमारा कैंटिलीवर बीम है, बट इस पिछली बार पॉइंट लोड लगा था, इस बार यूनिफॉर्मली बैरिंग लोड लगा है, देख रहे हो ना, यूनिफॉर्मली बैरिंग लोड लग रहा है। पहला काम इसको कन्वर्ट कर दो, इसका जो कुछ लिमिट दिया होगा ना, वो इसकी जो वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कितना लगा है, ये W किलो न्यूटन पर मीटर में दिया होगा इसकी वैल्यू। क्या करो, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो। ये लो मैंने यहाँ सेंटर पे लगा दिया, सेंटर पे नहीं जनरली लगा दिया, और ये कितना लोड हो जाएगा, ये जो भी लोड है, जो भी लोड दिया होगा वैल्यू आपको क्वेश्चन में, वो एल अपॉन टू, जो भी ये पूरा लेंथ था उसका हाफ, ठीक है। दिस इज ओवरऑल लेंथ इज एल, तो डब्ल्यू एल बाई टू ये लोड लग रहा है, ठीक है। और ये कैंटिलीवर है तो इस पे जो रिएक्शन होगा इस लोड की वजह से, डब्ल्यू एल बाई टू की वजह से इसको रजिस्ट करेगा आर वी, और इसकी वजह से बैंड भी होगा तो इसको भी रजिस्ट करेगा कौन सा, बैंडिंग मूवमेंट एट अबाउट ए, ठीक है। दिस इज ए पॉइंट। तो अब बताइए यहां से यहाँ जो लोड लगाया आपने उसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखो फ्लैट पॉइंट से और अपोजिट साइड से क्या डिस्टेंस होगी, बताइए जल्दी से इसका आंसर।
अभी पीछे हमने कराया था। यस यार, एल बाई थ्री, यहां से एल बाई थ्री होता है डिस्टेंस, और इधर फ्लैट वाले पॉइंट से 2L/3 डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका रिएक्शन और मूवमेंट निकालिए। क्वेश्चन में पूछेगा पहले वर्टिकल फोर्स जो है सबको जीरो कर दीजिए। तो वर्टिकल फोर्स ऊपर से नीचे की ओर WL/2 आ रहा है, तो मैंने इसको पॉजिटिव में ले लिया और RV को माइनस में ले लिया, विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से जो RV की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी WL/2। ये लीजिए आपका निकल गया रिएक्शन। क्या रिएक्शन हो रहा है बीम में, ये निकल गया। तो बीम में मूवमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट क्या हो रहा है, तो मूवमेंट क्या कहा होगा, मूवमेंट इज इक्वल टू जो आप लोड लगा रहे हो WL/2, तो WL/2 लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस क्या है, सिक्स पॉइंट से L/3, तो L/3। ठीक है, तो मूवमेंट कितना हो गया आपका, WL² / 3 × 6, ये हो गया मूवमेंट आपका। ठीक है, और यही अगर यही क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से देता, यही क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से देता, कैंटिलीवर बीम ही होता, बट इस बार इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक है, इन दैट केस क्या होता, रिएक्शन आपका क्या आता, और रिएक्शन तो आपका सेम आता, रिएक्शन इसमें भी आपका यही आएगा, WL/2 आएगा। क्यों आएगा, ये देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, WL/2 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल लेंथ क्या है, एल है। अब ये फ्लैट पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, 2L/3, और फ्लैट पॉइंट से इधर का डिस्टेंस L/3। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, RV इज इक्वल टू जीरो करोगे तो RV आ जाएगा WL/2, सेम जैसा ये प्रोसेस किया था, ये आ गया RV WL/2। ठीक है, और यही मैं पूछूं आपसे कि भाई मूवमेंट क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ भी होगा ना RV रिएक्शन और MA, MA की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो लोड लग रहा है, लोड कितना लग रहा है, WL/2 इनटू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L/3, 2L/3 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, WL² / 3 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज झट से ना तुरंत इजिली कैलकुलेट आप कर सकते हो ये सब। ओके, तो कैंटिलीवर बीम का क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या करोगे, अगर मैं आपसे कहूं भाई अगर आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इस तरीके से बीम है और उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो क्या करोगे, तुरंत उसको कन्वर्ट करो किसमें, पॉइंट लोड में डब्ल्यू, और जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे, मान लीजिए ओवरऑल लेंथ एल पे लगा हुआ है, ये कहाँ लग रहा होगा, यहाँ से L/2 पे लग रहा होगा, हमने पीछे देखा था। तो ये इसकी वजह से भी क्या होगा, एक RV डेवलप होगा और एक MA डेवलप होगा रेजिस्टिंग। तो RV W माइनस RV इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑल वर्टिकल फोर्सेस विल बी जीरो, तो RV की वैल्यू हो जाएगी W के बराबर। और मूवमेंट कितना आ जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा जो आपका लोड लग रहा है W इंटू कितनी दूरी पे, L/2 दूरी पे, तो क्या हो जाएगा मूवमेंट, ML/2। ठीक है, इस तरीके के बीम पे। चलिए अगला सिंपली सपोर्टेड बीम, तो ये लीजिए सिंपली सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहा हूं मैं, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, इधर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, इधर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो ये लीजिए मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, इधर 10 न्यूटन लगा रहा हूँ लोड, यहां से यहां तक की जो लेंथ है 1 मीटर और यहां से है 3 मीटर। तो जो रिएक्शन बनाइए जल्दी से इसका, इसका रिएक्शन बनाइए। तो ये लीजिए उस लोड की 10 न्यूटन की वजह से एक रिएक्शन ये लगेगा, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, और एक हमारा ये लगेगा, ठीक है, RB। ये रिएक्शन, यही रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो बड़ा अच्छा इसका एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ये है गाइस, अगर रिएक्शन ए आपको निकालना है, रिएक्शन ए निकालना है, तो जो लोड आप पूरे बीम पे जो लोड लग रहा है ना, वो लोड मल्टीप्लाई बाई अपोजिट लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ये कर दोगे तो आपका एक ही बार में बिना कुछ ताम झाम किए हुए रिजॉल्व किए हुए डायरेक्ट निकल जाएगा। वैसे रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बट अपन फॉर्मूला है तो क्यों निकाले, कैसे, आर ए की वैल्यू क्या होगा, 10 लोड लग रहा है इनटू अपोजिट लेंथ, देखो ये यहां से आर ए निकाल रहे हो ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 10 न्यूटन आपने लिखा अपोजिट लेंथ, ये 1 ना लेकर इधर
आर ए यूज कर रहे हो तो इसका अपोजिट ये वाला, लोड के अपोजिट वाला, 3 अपॉन टोटल लेंथ, 3 + 1 = 4 टोटल लेंथ, ये लीजिए आपका निकल गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 अपॉन 4, 7.5 किलो न्यूटन निकल गया। वैसे ही आरबी निकालिए, आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 into, इस बार ये ना लेकर ये लेंगे हम 1 मीटर अपोजिट वाला अपॉन ओरिजिनल 4 मीटर, तो 10 अपॉन 4 दैट इज 2.5 किलो न्यूटन। देखें इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर रिजोल्व करके अगर आपको निकालना है तो वो भी तरीका है। रिजोल्व कैसे करेंगे, तो रिजोल्व करते हैं हम वी में जीरो करते हैं वर्टिकल फोर्सेस, तो आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस में लिया, आर बी भी ऊपर जा रहा है प्लस में लिया, और वो नीचे आ रहा है तो 10 में लिया विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10 हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट लेते हैं ए पॉइंट से, मूवमेंट लेते हैं तो मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट अगर लें तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, 10 into जो डिस्टेंस है 1। ओके, क्योंकि ये क्या क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और आर बी जो है इस पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं ना ए से, तो ये आर बी क्या, ये हमारा क्लॉक हो रहा था इसमें मैंने पॉजिटिव लिया, ये एंटी क्लॉक है इसलिए मैं इसको माइनस में लूंगा। आर बी इंटू कितने लेंथ पे, 4 पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 माइनस, लेट टेक मूवमेंट अबाउट ए विल बी 0। ठीक है, तो माइनस 4 आर बी विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज 2.5। ठीक है, और इस 2.5 को जब आप यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन नंबर 1 पे तो आपका आर ए निकल जाएगा, और 10 में से 2.5 किया तो कितना बचा, 7.5। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट ये बेस्ट फॉर्मूला है, क्विक में हम यही करेंगे, इतना तामझाम हम नहीं करते हैं ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये हम तब करेंगे गाइस, ये चीज जब हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा तब। ठीक है, जनरली रिएक्शन कैलकुलेट करना, झट से इस तरीके से कैलकुलेट करो, काम खत्म। इसी में एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपके साथ, यही है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम ही है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये लीजिए ये रिएक्शन, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे किसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से आर बी रिएक्शन डेवलप हो रहा है और ये आर ए डेवलप हो रहा है। अब ये रिएक्शन कैलकुलेट करना है आपको, ये मूवमेंट है। ठीक है, मान लीजिए इसका एम दिया है, ये सी पॉइंट पे लग रहा है, और इसका यहाँ से एल बाई टू यहाँ तक, और इधर भी एल बाई टू, इसका भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जो रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन आता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट, वो आता है प्लस माइनस ऑफ टोटल मूवमेंट, जो भी टोटल मूवमेंट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ, तो मैं रिएक्शन ए की बात करूं तो कितना निकल जाएगा, रिएक्शन ए दैट इज जो भी टोटल मूवमेंट जो लग रहा है एम अपॉन टोटल लेंथ एल। ठीक है, वैसे ही रिएक्शन बी की बात करूं तो जो भी आप टोटल मूवमेंट लगा रहे हो, ये मूवमेंट कितना है एम अपॉन लेंथ। बोलोगे फिर दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है भाई, दोनों में डिफरेंस ये है गाइस, देखो ये जो मूवमेंट है ना, ये क्या क्लॉकवाइज लेना चाह रहा है ना, और ये जो आर ए है ये भी देखो ये भी क्लॉकवाइज लेना चाह रहा है, दोनों रिएक्शन अगर सेम, ये रिएक्शन और मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आप साइन लगोगे निगेटिव, और ये देखो ये मूवमेंट हमारा ये क्लॉकवाइज ले रहा है और रिएक्शन क्या कर रहा है एंटी क्लॉक ले रहा है, ये ले लोगे पॉजिटिव। ठीक है, तो मूवमेंट जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन ले रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ले रहा है किसके, रिएक्शन के, तो आप साइन कौन सा लोगे पॉजिटिव, और मूवमेंट जो है आपका सेम डायरेक्शन ले रहा है रिएक्शन के तो नेगेटिव। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखना काम आएगा करने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन है, फाइंड रिएक्शन आर ए एंड आर बी, आपको फाइंड करना है, ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, चुटकी में करना है गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक ही झटके में करना है इसका आंसर। कैसे करोगे जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए, ये 2 किलो न्यूटन पर न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको मैं पॉइंट कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2 into ये जो लेंथ दिया, लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में, यस ये 1 है और ये यहां से यहां तक का लेंथ 2 है और ये लेंथ इसका मान लीजिए 3 है, ये कितना हो जाएगा 2 into 2 विच इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, ये पॉइंट लोड। अब मैं इसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट, कितना होगा WL by 2, तो 4L by 2, टोटल लेंथ 3 upon 2। ठीक है, तो ये कितना 4L by 2, तो 4 into 3 by 2, इसी तरह ये हो गया,
चलिए रिएक्शन ए निकालिए, रिएक्शन ए में एक ही बार में निकालूंगा, टोटल तीन चार पांच छह, देखो टोटल लेंथ तो सिक्स है ठीक है, इन्हें तो अलग अलग करता हूँ। देखो लोड रिएक्शन ए निकालना, तो जो लोड लग रहा है वो लोड इनटू उसका अपोजिट डायरेक्शन का जो लेंथ है, दैट इज 3 + 2 = 5 है ना, तो अपोजिट जो लेंथ है वो अपॉन टोटल लेंथ 3 + 2 + 1 प्लस अगला जो लोड लग रहा है कितना लग रहा है 4, ये भी तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये लोड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये 3 ठीक है, अपोजिट कितना हो जाएगा ये 3 और यहां से यहां तक का भी तो डिस्टेंस ये पूरा 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 का हाफ मतलब 1 है, तो 3 + 1 = 4 लोड इंटू 4 लेंथ अपॉन टोटल लेंथ प्लस ये कितना लग रहा है 4 × 3/2 ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 अपॉन ये 6 हो जाएगा, 6 न्यूटन लग रहा है, तो 6 × अपोजिट लेंथ, ये अपोजिट लेंथ कितना, यहाँ से इसका लेंथ कितना होता है भाई अगर इस तरीके से बनाओ, ये लेंथ कितना होता है L/3, तो टोटल कितना 3 है, तो 3/3 L/3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 2L/3 मतलब 2 3/3, तो हमको यहाँ RA से निकाल रहे तो इसका अपोजिट लोड चाहिए, तो 3/3 डेट इज 1, तो 1 अपॉन टोटल लेंथ 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो रिएक्शन निकल जाएगा आपका 12 kN, लीजिए RA निकल गया। नाउ RB निकालना है आपको, तो RB निकालना है तो RB का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, जितने भी लोड लग रहे हैं ना गाइस उसको RA से माइनस कर दो, RA तो निकाल चुकी हो, जितने भी लोड लग रहे हैं उसको माइनस कर, लोड क्या पहला 10 लोड, दूसरा 4 लोड, तीसरा 6 लोड लग रहा है, तीनों को RA से माइनस कर दो, डायरेक्ट RB निकल जाएगा आपका 8 kN, ये तरीका है करने का ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, सारे क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कराने वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे आएगा, तो वहां पे आपको बताऊंगा सॉल्व करना, ये कुछ थे मैं आपको ये बताया कुछ ट्रिक के साथ, बताया किस तरीके से कैलकुलेट करना रहता है। नाउ अभी हमने क्या देखा था, ये हो गया हमारा किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, चलिए ये भी सिंपली सपोर्टेड का एक क्वेश्चन है, चलिए इसका रिएक्शन निकालिए, ये लीजिए आर ए ठीक है, ये रिएक्शन आर बी, ये रिएक्शन बना लीजिए बन गया, इतने सारे ये किस तरीके का लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, इसको भी पॉइंट मूवमेंट में कन्वर्ट कीजिए, पॉइंट मूवमेंट में तो ये मैंने सेंटर पे, इसके सेंटर पे पॉइंट मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट मूवमेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट पूरे पे लग रहा है वो 4 × ओवरऑल लेंथ 4 × L, तो मतलब 4 × 2 = 8 लग रहा है, तो रिएक्शन की आर ए क्या होगा, जब मैं आपको मूवमेंट पॉइंट मूवमेंट का बता रहा था, क्या बता रहा था, मूवमेंट जब लग रहा है टोटल मूवमेंट अपॉन टोटल लेंथ प्लस माइनस डिपेंड करता है किधर तरफ आप घुमा रहे हो, तो देखो तो टोटल मूवमेंट कितना आ गया 8 अपॉन टोटल लेंथ 2, वैसे ही आर भी निकालिए, टोटल मूवमेंट 8 लेंथ 2, अब बताइए प्लस में माइनस में, अब इसको ध्यान से देखिए, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, और ये क्लॉकवाइज है मूवमेंट और आर भी क्या है एंटी क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस ये आ जाएगा कितना -4, इसका आंसर आ जाएगा +4, ये लीजिए निकल गया, कर लोगे ना अब सारे इस तरह के क्वेश्चंस को। नाउ ओवरहैंगिंग बीम, तो ओवरहैंगिंग बीम का किस तरीके का दिखता है, पहले आपको दिखा तो चुका हूँ ना शुरू में ही, ओवरहैंगिंग बीम किस तरीके का दिखता है दिखा चुका हूँ, इस तरीके का होता है, कहाँ है ये रहा ओवरहैंगिंग बीम, दोनों तरफ से हो चाहे एक तरफ से भी हो सकता है, तो मैं यहाँ एक तरफ से एक क्वेश्चन आपको करा, डायरेक्ट क्वेश्चन से कराऊ ना गाइस, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, ये मैं एक ओवरहैंगिंग बीम बना रहा हूँ ठीक है, ये लीजिए ये मैं ओवर, यहाँ पे लोड लग रहा है कितना, दैट इज लोड पी ओके, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, जिसमें रखना है रख लो, यहाँ से यहाँ तक का ओवरहैंग पार्ट है ये भी 2 ठीक है, चलिए इसके रिएक्शन निकालिए, तो रिएक्शन पहले बनाना होगा इसके लिए, तो ये यहाँ फिक्स है, तो ये लीजिए आर ए, क्योंकि ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, सी पॉइंट पे लग रहा है, ये हो गया आर सी, रिएक्शन निकालिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन के जितने भी है उसको 0 के ऊपर कर देता हूँ, तो आर ए ऊपर जा रहा है, आर सी भी ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव में लिया, पी नीचे आ रहा है, तो मैं माइनस में ले लेता हूँ 0, यहाँ से आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसमें हमें रिजोल्व करके ही निकालना पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये तो हो गया। दूसरा मूवमेंट निकालना, दो अननोन है यहाँ पे आर ए और आर सी, जब इस तरीके के दोनों अननोन होते हैं और उनको निकालने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो पहला तो नॉर्मल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिजोल्व करके निकालिए, दूसरा हमेशा मूवमेंट ले लिया कीजिए, तो मूवमेंट ले लेता हूँ ए पॉइंट के और इसको 0 कर दूंगा ए पॉइंट के, तो मूवमेंट यहाँ पे ले लूंगा, ये आर ए वाला जो टर्म है ना वो तो गायब हो गया,
बचा क्या, ये दोनों, उसमें से पी आपको पता है, आरसी निकल जाएगा, एक ही अननोन बचा। तो मूवमेंट ऐसे पॉइंट से लेना है जहां से मैक्सिमम जो अननोन है वो गायब हो जाए। तो मैं यहाँ ए पे ले रहा हूँ मूवमेंट, तो ए पे मूवमेंट लूंगा, तो आर सी के लिए, आर सी कैसा, ये एंटी क्लॉक ले रहा है। तो आप क्लॉक या एंटी क्लॉक आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी प्लस माइनस ले सकते हैं। आप चाहो तो क्लॉक वाइज को पॉजिटिव ले लो, आप चाहो तो एंटी क्लॉक को प्लस ले लो, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये पहले ये जो लोड है पी, ये लिख रहा हूँ मूवमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4। तो मैं ये क्या है, ये क्लॉक वाइज ले रहा है, तो मैं क्लॉक वाइज को प्लस लिया हूँ और एंटी क्लॉक को माइनस लूंगा। और आर सी कैसा है, ऊपर की ओर, मतलब ये इस तरीके का एंटी क्लॉक लेगा, है ना, इस ए पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको एंटी क्लॉक इसलिए माइनस ले रहा हूँ, तो आर बी ना यार, बी पॉइंट है तो आर बी, यहाँ सी क्यों लिख दिया यार, आर बी, ठीक है। तो आर बी इंटू लेंथ कितना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2, विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको आर बी की वैल्यू आ जाएगी 2p। लीजिए आर बी निकल गया, अब ये आर बी को यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ से आपको आर ए मिल जाएगा, वो आपका आ जाएगा माइनस पी के आसपास, ठीक है। तो निकल गया आपका डायरेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका निकालिए रिएक्शन, फाइंड कीजिए रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी, निकाल लोगे आसानी से, किस तरीके से, पहले तो बना लो भाई जल्दी से। अपन ये कलर लेते हैं, ये लीजिए मैं रिएक्शन बनाता हूँ, ये पॉइंट ए है तो आर ए, ये पॉइंट बी है तो आर बी, ये रिएक्शन कैलकुलेट करना है। पहले क्या करो, देखो ये यूडीएल लगा है, यहाँ पे यूडीएम लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए। ये लीजिए पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, तो टू इंटू, तो ये ओवरऑल लेंथ 2, ये हो गया 4 किलो न्यूटन। देखो ये यूनिट 2 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है ना, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का दिया हुआ है, और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ किलो न्यूटन में हो जाएगा। उसी तरह मूवमेंट को कन्वर्ट कीजिए पॉइंट मूवमेंट में, तो ये पॉइंट मूवमेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट है वो इंटू परपेंडिकुलर मूवमेंट का लेंथ, तो 2, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये लीजिए अब रिएक्शन ए और रिएक्शन बी निकालिए, किस तरीके से निकालेंगे, सेम कंडीशन गाइस, वर्टिकल वाले सारे को जीरो कर दो। तो वर्टिकल क्या है, आर ए ऊपर जा रहा तो प्लस ले लिया, आर बी भी ऊपर जा रहा तो प्लस ले लिया, और 4 नीचे आ रहा है तो माइनस 4 ले लेता हूं, ठीक है, 4 नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस 4, पॉइंट लोड की बात कर रहे हैं, वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया विच इज इक्वल टू 0। यहां से आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये लोड नहीं है गाइस, ये मूवमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया, यानी कि आप नीचे आ रहा तो आप माइनस में ले लो। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या करेंगे, मूवमेंट ले लेते हैं ए के अबाउट 0, ए के अबाउट मूवमेंट, आर ए तो गायब हो जाएगा, आर बी बचेगा और ये सब बचेंगे। तो मूवमेंट लेंगे, तो सबसे पहला मूवमेंट 4 न्यूटन के लिए लेते हैं, तो 4 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, एल बाई 2, मतलब पूरा लेंथ 2 है, तो 2/2 1 हो जाएगा। ये कैसा, ये क्लॉक वाइज मूवमेंट ले रहा है तो मैंने प्लस में लिया, आर बी जो है एंटी क्लॉक ले रहा है तो मैं माइनस में लूंगा। आर बी, आर बी तक का लेंथ कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का 2 meter, तो 2। अब ये मूवमेंट है, ये भी क्लॉक वाइज ले रहा है तो मूवमेंट को भी क्लॉक वाइज लूँ, कितना मूवमेंट है 10 इंटू क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा मूवमेंट का, एल बाई 2, टोटल 2 था और 2, एल बाई 2, तो ये 1, यहाँ से वहाँ 1 है और ये 2, 3 हो गया, 10 इंटू 3, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे तो आर बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17 आपकी, इस आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आर ए आ जाएगा और ये आएगा अप्रोक्सीमेट माइनस 13 किलो न्यूटन के आसपास, ओके, क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस करना है ओवरहैंगिंग के लिए। नाउ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अब हम आ रहे हैं। शियर फोर्स मैंने यहाँ एक चीज लिखा है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज एलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ सेक्शन। अब देखो शियर फोर्स के लिए ना, यहाँ पे पहले जब कैलकुलेशन रिएक्शन जैसे लगता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन है, टैप पे स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन पाता, ओके, और इस पे इस तरीके से लोड लग रहा है, इस तरीके से लोड लग रहा है, इस 5 kN, 5 kN, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए 1 meter, ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए 1 meter, इस तरीके से, ओके। अब यहां मान लीजिए ये रिएक्शन है आर ए, दिस इज रिएक्शन आर बी, है ना।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है साइन लेने में, भाई किसका क्या साइन ले, इसमें काफी लोग अच्छे खासे परेशान होते हैं। तो एक चीज याद, जैसे मैं यहाँ पे सेक्शन, ये मैं एक सेक्शन बनाया, ये मैंने एक सेक्शन बनाया एक्स एक्स सेक्शन, कुछ ये सेक्शन बनाया, इस सेक्शन के राइट में देखो, ये लेफ्ट हो गया ना, अरे यार इसको थोड़ा मिटाया जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन में कट कर रहा हूँ, मेथड ऑफ सेक्शन का यूज कर रहा हूँ, ये लीजिए मैं एक सेक्शन बनाया यहाँ पे, ये मैं एक सेक्शन बनाया एक्स एक्स सेक्शन है। तो करना क्या है, ये सेक्शन बनाओ और सेक्शन को तुरंत राइट या लेफ्ट किधर भी देखो, राइट में मैं मान लो राइट में देख रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में देखो, क्या करो इस सेक्शन पे बैठ जाओ और राइट की ओर देखो। और जब आप सेक्शन में बैठ जा रहे हो और राइट की ओर जब तुम देखोगे, तो जितने भी डाउनवर्ड वाले फोर्सेस हैं, डाउनवर्ड वाले जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको आप पॉजिटिव ले लो, एंड अपवर्ड जितने फोर्स हैं, अपवर्ड फोर्सेस हैं, उनको निगेटिव ले लो। राइट डायरेक्शन में देखो और इस तरीके से कर लो। तो राइट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये, इसको मान लो ये 6 न्यूटन बोल रहा हूं, जो पहला फोर्स है 5 किलो न्यूटन, उसको मैं लिखूंगा 5 किलो न्यूटन, दूसरा जो है 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, क्योंकि डाउनवर्ड को हम सबको पॉजिटिव लिए हैं, राइट में देख रहे हैं, और जो आर बी है उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस आर बी होगी, राइट डायरेक्शन में। और ऐसे ही अगर कोई सेक्शन आप कट कर रहे हो, कोई सेक्शन आप कट कर रहे हो बट आप राइट नहीं देखना चाहते हो, आप बोलो कि नहीं राइट नहीं देखूंगा, राइट में कुछ नहीं है, आप लेफ्ट में देखना चाहते हो, तो कोई बात नहीं यार, आप लेफ्ट में देखो और इसी का वॉइस वर्सा कर दो, लेफ्ट में देखो और इसी का राइट में देखने से जो चीज हो रही थी उसका उल्टा कर दो। जब लेफ्ट में देखोगे तो डाउनवर्ड के जितने भी फोर्सेस होंगे ना, उनको क्या करो, निगेटिव ले लो, और जो अपवर्ड फोर्सेस होंगे उनको आप पॉजिटिव ले लो, है ना। तो अगर आप, ये मैं वाई वाई सेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, लेफ्ट में ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन के लिए था, राइट में देख रहे थे, ये हम वाई वाई सेक्शन जो बनाया है ना उसके लिए है, बट इस बार लेफ्ट में आप देख रहे हो। तो जितने भी लेफ्ट में क्या बोल रहे हो, डाउनवर्ड फोर्स को माइनस लोगे, तो लेफ्ट में -6 किलो न्यूटन एक दिख रहा है, नीचे की ओर आ रहा है 5 भी नीचे आ रहा है, तो -5 किलो न्यूटन भी माइनस में रहेगा, और आर ए जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो आर ए को आप पॉजिटिव में ले लो, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है, जहां भी आपको सेक्शन कट करना है वहां पे कट करो, वहां पे आप बैठ जाओ, वहां पे राइट या लेफ्ट की ओर देखो, जनरली माइंड में रखो एक ही डल, राइट लेफ्ट को मारोगे भी, जब भी क्वेश्चन आए सेक्शन कट करो, उस पे बैठो और राइट में देखो, और राइट में जब भी आप देखोगे तो उसमें का जो भी डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे उनको प्लस में रखो और अपवर्ड को निगेटिव में रखो। और बाय डिफॉल्ट अगर आपको कभी ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट में देखना पड़ रहा है, तो राइट की चीजें याद है ना, कि राइट का डाउनवर्ड प्लस होता है, अपवर्ड माइनस होता है, इसी का उल्टा कर देना, लेफ्ट में देखोगे तो डाउनवर्ड निगेटिव हो जाएगा, अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर हो गया। इस तरीके के शियर फोर्स के लिए काम आएगा ये चीज। अरे मूवमेंट की बात किया जाए, बेंडिंग मूवमेंट की बात किया जाए, बेंडिंग मूवमेंट में क्या आता है, ये आता है आपका शैगिंग, ये आता है आपका हॉगिंग, इस तरीके का बेंड होता है, ठीक है। तो इसमें भी सैगिंग, ये सैगिंग हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने आपको, बेंडिंग मूवमेंट के केस में, शियर फोर्स के केस में देख लिया ना, ये है हमारा क्या, इसको बोलते हैं अपन शैगिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग। ये कैसे, ये नीचे की ओर बेंड हो रहा है, इस तरीके से बेंड हुआ, इसको रेजिस्ट करने के लिए एक अपोजिट लोड इधर की ओर लग रहा होगा, ये ऊपर की ओर बेंड हुआ है, मतलब इस तरीके से बेंडिंग हुआ, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लगेगा। इसमें भी सेम तरीका, कहीं सेक्शन कट करो, ठीक है, सेक्शन कट करो और राइट में देखो, ठीक है। तो मैंने ये सेक्शन कट किया, एक्स एक्स सेक्शन को कट किया और मैं राइट में देख रहा हूँ, मैं राइट में देख रहा हूँ, इस पे बैठ गया और राइट में देख रहा हूँ, तो राइट में जो चीज देख रहा हूँ, ये मूवमेंट किस तरीके का दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या करो, राइट सेक्शन में बैठो, राइट में देखो, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, देन द बेंडिंग मूवमेंट जो आएगा आपका, ये जो बेंडिंग मूवमेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, राइट में देख रहे हो पॉजिटिव, तो सैगिंग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसी तरह यहां पे सेक्शन कट करो, राइट में देखो, ये कैसा ले रहा है, क्लॉकवाइज मोशन ले रहा है, तो आप राइट में हो
और आप देख रहे हो क्लॉक वाइज मोशन ले रहा है, देन बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव। ठीक है, राइट में देखो क्लॉक वाइज हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट निगेटिव हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। राइट में देखो अगर एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट दिख रहा है तो आप बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। इसी का उल्टा कर दो लेफ्ट में, ठीक है। जनरली राइट वाला याद, इसका भी राइट वाला सिस्टम याद रखो और इसका भी राइट वाला सिस्टम याद रखो, आसानी होगा। ठीक है, सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कैंटिलीवर बीम है, उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है W किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है, लगा हुआ है। तो अब इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, रिएक्शन निकाल लेना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज आर ए, क्योंकि ये पॉइंट ए है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। तो आर ए क्या वैल्यू होगी, पहले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो। तो ये लीजिए, मैं ये इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, जो भी यूनिफॉर्मली का वैल्यू होगा वो इंटू ओवरऑल लेंथ जहाँ पे पूरे में लगा हुआ है ये यूनिफॉर्म, डब्ल्यू इंटू एल, एंड दिस ओवरऑल लेंथ इज एल, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज सॉरी दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, इसका डिस्टेंस यहाँ से एल बाई टू। क्लियर हो गया, ये रिएक्शन तो एक मोमेंट भी आता रहता है ना यहाँ पे, यहाँ पे तो मोमेंट भी रहता है एम ए। इसकी वैल्यू क्या होगी, मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जो भी मोमेंट लोड लग रहा है वो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डब्ल्यू एल और एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा यहाँ पे मोमेंट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। मोमेंट क्या होता है, ये जो लोड लग रहा है दिस इंटू ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन टू। सबसे पहला काम आपको यही करना रहता है ना। अब करना क्या है आपको, आपको कहीं भी एक सेक्शन कट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेक्शन कट कर दे रहा हूँ, ये लीजिए मैंने एक सेक्शन बनाया, इस सेक्शन को मैं मार्क कर रहा हूँ एक्स और एक्स, ठीक है, साइड में मैं बना रहा हूँ एक्स एक्स, ये मैंने सेक्शन कट किया। अब इस सेक्शन से, ये सेक्शन का जो डिस्टेंस है इस एंड पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम बना के कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहला काम कीजिए, शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन पे, शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एट एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एट एस एक्स एक्स सेक्शन पे, ये देखो ये पूरा कितना है, जैसे ये इस पे पूरा था तो इस सेक्शन पे आर ए कैसे निकाले, डब्ल्यू एल निकाले, आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे रिएक्शन की, डब्ल्यू एल निकाले थे ना, जैसे ये भी तो एक सेक्शन ही है, इस सेक्शन पे लोड लग रहा है, ये एक सेक्शन है इधर लोड है, उसी तरह इस सेक्शन पे ये एक्स की जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट को डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, क्या कितना होगा, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है, डब्ल्यू इंटू एक्स इस सेक्शन पे शियर फोर्स पे एक्ट हो रहा है। बट अब ये बताओ आप किधर देख रहे हो, यहाँ पे सेक्शन काटे और राइट की ओर देखे, तो सेक्शन कट करो और राइट की ओर देखो और डाउनवर्ड, क्योंकि ये नीचे की ओर लग रहा ना, जैसे ये था डब्ल्यू एल नीचे की ओर लग रहा था, तो इस सेक्शन की वैल्यू आई डब्ल्यू एल, उसी तरह यहाँ भी तो एक, अगर मैंने एक्स इस पॉइंट को एक्स माना है तो यहाँ भी तो एक लग रहा होगा, दैट इज डब्ल्यू एक्स, कि डब्ल्यू एक्स नीचे की, तो इस सेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एक्स, और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, तो सेक्शन कट करो राइट में देखो, क्या बताया था मैंने अभी जस्ट, सेक्शन कट करो और राइट में देखो, डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स इज निगेटिव, यही काम आपको यहाँ पे करना है। तो ये हो जाएगा इसमें पॉजिटिव में, क्योंकि डाउनवर्ड हो रहा है, पहला काम हो गया। नाउ सेकंड करते हैं, शियर फोर्स एट बीबी पॉइंट पे, बीबी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीबी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है। नाउ शियर फोर्स की पॉइंट, शियर फोर्स एट सी पॉइंट सेक्शन सी, सी सेक्शन पे क्या हो जाएगा, सी सी सेक्शन पे ये जो लोड लग रहा है दिस डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एल बाई टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, और ये क्या डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड लग रहा है, और क्या देख रहे हो सेक्शन के यार लेफ्ट में देख रहे हो आप, ठीक है, सेक्शन के लेफ्ट में देख रहे हो, तो सेक्शन के इधर क्या कर रहे थे, सॉरी सेक्शन के राइट में देख रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, देखो अगर आपको शियर फोर्स निकालना है सीसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे सेक्शन जनरेट करो, तो शियर फोर्स एट सीसी, मैंने एक सेक्शन जनरेट किया सीसी, जैसे एक्स एक्स जनरेट किया ना वैसे ही सीसी जनरेट किया,
सीसी जनरेट किया सेक्शन, और उसके राइट में देखो, राइट में देखो, और ये डब्ल्यू एल जो है राइट में देखोगे, ओके मैं यहाँ पे सेक्शन बना रहा हूँ, दिस इज सेक्शन सीसी, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, ये पूरा अब एक्स हो जाएगा, तो ये पूरा एल था, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है एल बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ सेंटर पे लगेगा हमारा क्या, इस पूरे यूनिफॉर्म को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो डब्ल्यू लोड और इसका पूरा एक्स दैट इज एल बाई टू, तो राइट में देख रहे हो सेक्शन सी सी बनाया, राइट में देखा तो कैसा, राइट में पॉजिटिव आप लोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव डब्ल्यू एल बाई टू, क्लियर है। नाउ शियर फोर्स, अब इस बार जो है ना शियर फोर्स एट पॉइंट ए ए, अब सेक्शन ए ए पे बनाओ, अभी जो सेक्शन आपने यहाँ कट किया था, अब सेक्शन इसको यहाँ उठाकर रख दो, ठीक है, यहाँ उठाकर रख दो, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे उठा के रखोगे तो क्या ये पूरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू l हो जाएगी, और ये लोड कितना हो जाएगा w इंटू एक्स, मतलब w इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिख दोगे डायरेक्ट यहाँ पे w l, राइट में देख रहे हो तो डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज और, क्योंकि यहाँ पे आपने सेक्शन कट किया है तो राइट में देखने पे डब्ल्यू एल डाउनवर्ड आ रहा है, बट उसी सेक्शन पे आपको एक अपवर्ड भी तो दिख रहा है, ये उसी सेक्शन पे आपने सेक्शन इस बार यहाँ कट किया ना ए पॉइंट पे, तो आपने राइट वाले डब्ल्यू एल ये तो कर दिया प्लस में, बट उसी सेक्शन पे एक अपवर्ड भी तो लोड जा रहा है, उसकी वैल्यू भी डब्ल्यू एल है ना, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल अपवर्ड माइनस ये हो जाएगा जीरो, मतलब एट पॉइंट ए पे दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव डब्ल्यू एल आ रही है, एक वैल्यू आ रही है जीरो, ठीक है, शियर फोर्स का, ये चीज आप याद रखना, इस तरीके से करना है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, जिस पे करना है शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन, तो मैंने एक सेक्शन कट किया और इसको नाम दिया एक्स एक्स, तो इस सेक्शन पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा, तो इस एंड से इसका डिस्टेंस एक्स, तो बीच में इतना जो यूनिफॉर्मली का इतना जो पार्ट था उसमें आप एक पॉइंट इसको कन्वर्ट कर दो पॉइंट में, तो पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो डब्ल्यू लोड जो लग रहा है वो इंटू एक्स है ना, तो डब्ल्यू एक्स, और राइट में देखो देख रहे हो पॉजिटिव डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव कर दिए। Now, इस बार शियर सेक्शन शियर फोर्स एट बी बी, इस बार सेक्शन को यहाँ पे बनाओ बी बी पे बनाओ, और यहाँ पे देखो कुछ लोड है, कोई लोड नहीं है तो जीरो हो गया। नाउ शियर फोर्स एट सीसी सेक्शन, तो सीसी सेक्शन पे इस तरीके से जनरेट करो सीसी सेक्शन पे, और उसके राइट में देखो, राइट में यहाँ तक से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस कितना मानोगे आप, एक्स मानोगे एंड तक का एक्स, और ये एक्स की वैल्यू कितना है, ये पूरा एल है तो एक्स की वैल्यू कितना, एल बाई टू, ये पूरा ये लोड कितना है डब्ल्यू, तो सेंटर पे लोड कितना लग जाएगा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, और जो पेन है That is L by 2 downward है इसलिए positive। फिर section को AA पे ले आओ, AA पे ले आओ section को, और right में देखो तो WL नीचे की ओर आ रहा है, WL plus में ले लो, but उसी section पे एक upward भी जा रहा है WL, तो अगला WL minus WL downward WL minus upward WL is equal to zero, तो दो value मिली हमारी section AA पे, ठीक है? तो अपन ये सब चीजों को थोड़ा सा हटा दें, figure हमारा साफ सुथरा दिखे, ठीक है? अब ठीक होगा, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये शियर फोर्स का काम तो हमारा हो गया, तो अपन शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा अभी रहने देते हैं, पहले बीएमडी का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिर्फ मैं आपको एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ गाइस, सिर्फ मैं आपको यही एक क्वेश्चन बताऊंगा कैलकुलेशन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, क्लियर है? आपको याद करने होंगे क्वेश्चन, बस ये आपको जस्ट अ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ किस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। इसके अलावा मैं काफी सारे बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिर्फ दिखाऊंगा, ठीक है, सिर्फ दिखाऊंगा और वो याद करना होगा, कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कि लोड लग रहा है तो वहां पे जंप हो जाएगा, तो आप ट्रिक के हिसाब से भी समझ सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि इतने से छोटे से क्वेश्चन के लिए लगो कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप बनाओ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। एमसीक्यू में ऐसा नहीं करते, ट्रिक यूज करते हैं और झट से ना बना देते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट बनाना है तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स कितना हो जाएगा, ये सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एट सेक्शन एक्स एक्स पे इधर का जो पार्ट है क्या लग रहा है डब्ल्यू, ये इसको मैंने एक्स माना है डिस्टेंस बी पॉइंट से, तो जो लोड लग रहा है डब्ल्यू एक्स लग रहा है, तो ये लोड डब्ल्यू एक्स, लोड क्या होता है मूवमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसको एक्स माने हो तो कितना होगा एक्स बाई टू होगा, है ना, तो एक्स बाई टू। अब देखो आप बेंडिंग मूवमेंट की बात कर रहे हो, राइट में देख रहे हो, और ये लोड कैसा ले रहा है, क्लॉकवाइज ले रहा है, तो बैंड राइट डायरेक्शन में देख रहे हो और आपका क्लॉकवाइज मिल रहा है,
राइट डायरेक्शन में देख रहे हो क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या लोगे आप, दैट इज निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेंडिंग मूवमेंट की वो जाएगी निगेटिव। ठीक है, क्लियर है? और निगेटिव मतलब हैगिंग हो रहा है ना, ये हैगिंग हो रहा है। ठीक है, नाउ अगला बेंडिंग मूवमेंट एट बीबी सेक्शन पे। तो अब क्या करो, ये सेक्शन को बीबी पे बना दो, बीबी पे सेक्शन बनाओगे तो वहां पे कोई लोड तो लग ही नहीं रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। नाउ बेंडिंग मूवमेंट एट, अब मैं सीसी जो पॉइंट है सीसी पे बनाऊंगा, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे उससे पहले लोड देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स ले लो इस बार, और बीच में जब लोड लगेगा वो कितना हो जाएगा डब्ल्यू, और एक्स का एक्स क्या एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू लोड लग रहा है, तो डब्ल्यू एल बाई टू लोड लग रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक एल बाई टू है, एल बाई टू का आधा एल बाई फोर, तो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई फोर जो लोड लगाया हो यहां से एल बाई फोर डिस्टेंस पे। ठीक है, और आप साइड में देख रहे हो डाउनवर्ड है तो ये माइनस में आ जाएगा, राइट साइड देखो सेक्शन के डाउनवर्ड तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन में, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट आ गया। नाउ बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन ए ए, इस बार सेक्शन ए ए बने, इस पे सेक्शन बनाओ, यहाँ पे सेक्शन बनाओ, और यहाँ पे जब सेक्शन बनाओगे ए ए सेक्शन, तो राइट साइड में क्या डब्ल्यू एल लोड रहे हैं, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे एल बाई टू पे, तो डब्ल्यू एल कितना लग पे एल बाई टू पे लग रहा है, और ये डाउनवर्ड लग रहा है, राइट साइड देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा है तो माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस में, बट अगर ध्यान दो उसी सेक्शन पे एक और रिएक्शन मूवमेंट भी लग रहा है डब्ल्यू एल बाई टू का, तो डब्ल्यू एल एक तो वैल्यू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू आ गई, और एक वैल्यू क्या ये क्लॉकवाइज में लग रहा है, और ये जो रिएक्शन है वो एंटी क्लॉक, तो ये दोनों माइनस डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू क्या हो जाएगा दोनों जीरो, तो एट दिस पॉइंट पे दो वैल्यू मिली। ठीक है, तो शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस तरीके से बनेगा आइए देखते हैं, उस करना क्या एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट को सी किए थे तो इस पॉइंट को मैं सी मार्क कर रहा हूं, ये पॉइंट था हमारा बी और ये पॉइंट था हमारा ए, तो बी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो, तो यहां पे एक अच्छा खासा पॉइंट मार्क करो इस तरीके का, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, सी पॉइंट पे डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, सी पॉइंट पे डब्ल्यू एल बाई टू मतलब यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि बढ़ रहा है ना इस तरीके से, पहले जीरो था फिर डब्ल्यू एल बाई टू प्लस में, प्लस है इसलिए ऊपर की ओर ले रहा हूँ, माइनस होता तो नीचे की ओर लेता, तो प्लस यहाँ पे माइनस प्लस किया। फिर शियर फोर्स एट ए ए पे दो वैल्यू, एक जीरो है एक डब्ल्यू एल है। ठीक है, तो जीरो वाला पॉइंट ये हो गया जीरो वाला, और प्लस डब्ल्यू एल की वैल्यू होगी कुछ यहाँ होगी, ये डब्ल्यू एल बाई टू था तो इसके ऊपर ही होगा डब्ल्यू एल, तो अब इसको इस तरीके से, अरे यार ये लीनियर बनेगा वो ड्राइंग में सीधे से बना नहीं पा रहा हूँ मैं, इसको इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा, ओके इस तरीके का बनेगा, और ये इस तरीके से जंप है ना, ये लीजिए शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, बी बी पॉइंट पे जीरो था तो देखो शियर फोर्स जीरो है, शियर फोर्स सी सी पॉइंट पे कितना था डब्ल्यू एल बाई टू था, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू है पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की ओर, और शियर फोर्स एट ए ए पे एक था जीरो, मैंने जीरो मार्क किया, ए पॉइंट पे एक जीरो था, और वहीं पे एक लंबा छलांग भी लगाता है डब्ल्यू एल का, ये लीजिए प्लस डब्ल्यू एल का छलांग लगा दिया। ठीक है, ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया जाए, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाता हूँ, this is point B, this is point C and this is point A. तो bending moment at B पे ये तो zero हो गया, B, C, A, zero हो गया, सारी point देखो negative में था ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर बनाया क्योंकि negative सब नीचे ही बनेगा। C point पे minus W L by 8, L square का 8 से divide करोगे तो value और कम होगी ना, तो ये कहीं यहाँ कहीं होगा, for example, इसकी value इधर कहीं, और एट पॉइंट ए ए पे देखो दो वैल्यू, एक जीरो है ए पे, एक जीरो है और दूसरा माइनस एल स्क्वायर बाई टू छलांग लगाया यहाँ तक, ये छलांग लगा दिया कितना माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू पे। ठीक है, अब देखो अब इसको ज्वाइंट करोगे ना, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो बनेगा ये थोड़ा पैराबोलिक शेप का बनेगा।
क्योंकि देखो ये देखो एल स्क्वायर बाई एट एल स्क्वायर अपॉन कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो ये लीनियर नहीं बनेगा, ठीक है, ये पक्का पैराबोलिक बनेगा। तो पैराबोलिक अब दो तरीके का पैराबोलिक बनेगा, यहाँ पे दो तरीके का पैराबोलिक होता है। अब आप कैसे पहचानोगे इसका कौन सा से, देखो एक तो पैराबोलिक इस तरीके का बनेगा, एक तो पैराबोलिक इस तरीके का बनेगा है ना, और एक पैराबोलिक हमारा इस तरीके का बन सकता है। तो दोनों में से कोई एक सही है एक गलत है, कैसे पहचानोगे, पहचानने का इसका ट्रिक है। देखो यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, शियर फोर्स की वैल्यू मिनिमम है, मतलब शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है ना। तो शियर फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट पे जीरो है, तो जो ग्राफ का जो एंगल होना चाहिए हॉरिजेंटल से वो भी जीरो होना चाहिए। तो अगर इसको देखोगे, ये वाले पैराबोला का देखोगे जो अंदर की ओर बैंड है, इसका हॉरिजेंटल से जो एंगल है वो जीरो है, और फिर इस पॉइंट पे अगर देखोगे ए पॉइंट पे देखोगे तो शियर फोर्स मैक्सिमम है, शियर फोर्स मैक्सिमम है, तो बेंडिंग मोमेंट का भी जो कर्व है वो मैक्सिमम बनना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल जीरो, ये लीजिए थीटा इस तरीके से, ये लीजिए थीटा और बड़ा हो गया, ये लीजिए हॉरिजेंटल लाइन सिस्टम इसके पर पैरेलल हॉरिजेंटल ड्रॉ कीजिए, थीटा और बड़ा हो गया, और इस पॉइंट पे थीटा और बड़ा हो गया, ये आपका आ गया मैक्सिमम, है ना। देखिए इस पॉइंट पे थीटा मैक्सिमम मिल रहा है, इस पॉइंट पे थीटा जीरो मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो फिगर है वो सही है। ये वाले फिगर का देखोगे तो इस पॉइंट पे देखिए हॉरिजेंटल से ये हो गया थीटा जीरो आ गया, फिर देखिए थीटा अब इधर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखिए बढ़ता गया थीटा की वैल्यू, है ना। तो कैसे, जहां बेंडिंग, जहां शियर फोर्स जीरो है वहां पे बेंडिंग मूवमेंट कैसे मैक्सिमम हो सकता है ना। तो इसलिए ये वाला डायग्राम हो जाता है गलत, और सिर्फ जो कर्व है फाइनली इसका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इसका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो अंदर की ओर इस तरीके से पैराबोलिक होगा, ठीक है। देखो यहाँ हॉरिजेंटल से ये देखो थीटा मैक्स बन रहा है, और यहाँ पे देखो हॉरिजेंटल से ये थीटा क्या बन रहा है, यहाँ पे जीरो। तो जहां पे शियर फोर्स डायग्राम में जैसे यहाँ बी पॉइंट था, यहाँ पे जीरो शियर फोर्स कितना था, जीरो था, वहां पे आपका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का जो पॉइंट है वहां पे थीटा की वैल्यू जीरो। जहां शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू आपका मैक्सिमम आ रहा हो, बेंडिंग मूवमेंट का जो थीटा है वो भी मैक्सिमम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, क्लियर हो गया ये चीज दो चीज। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो डायग्राम बनाने का तरीका, डायग्राम बनाने का तरीका देखो ध्यान से, अपन बिना देखे ही ऐसे ही बना सकते थे। देखिए अब मैं बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट शियर फोर्स डायग्राम बना और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ ट्रिक के हिसाब से। ये रहा, ये W किलो न्यूटन पर मीटर ये दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट कर दो पॉइंट में, पहला काम पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए, ये हो जाएगा W, और ये पूरा लेंथ अगर L है तो कितना हो जाएगा, ये W इंटू L। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा आर ए पॉइंट पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल आ जाएगा रिएक्शन, और यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा एम ए की वैल्यू क्या, डब्ल्यू एल इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल बाई टू, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ओके। तो अगर ध्यान से देखो तो इसका अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊँ, शियर फोर्स डायग्राम बनाऊँ, ये लीजिए यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, देखो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया, तो आपको कोई कन्वर्जन उन्वर्जन नहीं करना है, ये सिर्फ आर ए और आर एम ए निकालने के लिए मैंने ये चीज किया। ध्यान, कहीं पे पॉइंट लोड एक्ट, और जहां पे पॉइंट लोड एक्ट होगा ना गाइज, वहां पे शियर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम चला जाता है। तो कहीं पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ इस पॉइंट पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, नहीं तो मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर लिया, और इस तरीके से देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, देखो यहाँ से आते जाओ यहाँ पे इस, ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल, ठीक है, डब्ल्यू एल, ओके। तो मतलब यहाँ पे ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा पॉइंट लोड, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया है, तो ओरिजिनल जो पॉइंट लोड होता है गाइस, और कन्वर्ट किया वो पॉइंट लोड होता है उसमें डिफरेंस, ओरिजिनल पॉइंट लोड हमेशा ज्यादा होता है कन्वर्ट किया वाले पॉइंट से। तो देखो इसको मैंने कन्वर्ट किया है ना, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू होगी कहीं यहाँ पे कम होगी, और जैसे आप इधर की ओर मूव करोगे तो देखो यहाँ पे ये भी तो एक तरीके का रिएक्शन जो है, ये भी तो पॉइंट लोड है, इस ए सेक्शन पॉइंट ए पे आपको डायरेक्ट एक पॉइंट लोड आपको दिख रहा है डब्ल्यू एल का, तो ये उछाल मारेगा, ठीक है, ये तुरंत उछाल मारेगा, और वो ये आपका कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड से ज्यादा वैल्यू होगा, ठीक है, और यूडीएल है तो ये पक्का लीनियर इक्वेशन बनेगा, और इस तरीके से आप डायरेक्ट बना लोगे, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया।
अब इसी का अगर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है तो बेंडिंग मूवमेंट भी देखो गाइस, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहां पे कोई लोड नहीं लग रहा है। लोड लगता तो आप मूवमेंट लोड इनटू इस पॉइंट से करते। तो आप देखो ए पॉइंट पे जो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू कितना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। इस पॉइंट पे आपका डायरेक्ट एक बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, पॉइंट मूवमेंट लग रहा है ना इस पॉइंट ए पे, सिंगल को पॉइंट मूवमेंट कहते हैं। तो इस ए पॉइंट पे डायरेक्ट एक आपका सिंगल पॉइंट मूवमेंट लग रहा है, जहां भी पॉइंट लोड या पॉइंट मूवमेंट लगे तुरंत एक्सपेंड उसको वहां पे जंप करा दो। तो यहां पे ए पॉइंट पे एक पॉइंट मूवमेंट लग रहा है, तो मैंने ये जंप करा दिया। ये लीजिए डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, और मूवमेंट एंटी है इसलिए माइनस डायरेक्शन में है ना, एंटी क्लॉक में है इसलिए माइनस में, क्लॉक में होता तो हम पॉजिटिव लेते। तो ये कर लिया। अब इसका पैराबोला कैसे बनेगा, पैराबोला डिपेंड करेगा आपके इस पे। ये देखो यहाँ पे मिनिमम है तो यहाँ पे आपका, और यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा तो मैक्सिमम इसी तरीके से बनता है अंदर की ओर है ना। ये लीजिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो और यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, जहां पे ये मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ शियर फोर्स मैक्सिमम है तो बेंडिंग मोमेंट का भी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। और यही डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, यही को अगर हमारा शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके का बना होता, शियर फोर्स डायग्राम अगर हमारा कुछ इस तरीके का बना होता ए और बी, इसका जो बेंडिंग मूवमेंट बनता इस तरीके से बनता, दिस इज ए बी बेंडिंग मूवमेंट बनता। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे ये छलांग मार रहा है, ए पॉइंट पे ये छलांग मार रहा है, ये बेंडिंग मूवमेंट सेम ही है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, बट शियर फोर्स हमारा इस तरीके का है। तो इस टाइम पे आप कैसा कर्व, अगर यहाँ पे इस तरीके का कर्व बनाओगे तो ये मैक्सिमम मिल जाएगा, बट यहाँ पे शियर फोर्स तो मिनिमम है, तो ऐसा ग्राफ बनाओ कि यहाँ पे थीटा मिनिमम आ जाए। थीटा मिनिमम, ये हॉरिजॉन्टल कर्व ड्रॉ करो, थीटा मिनिमम मतलब इसी से टच करते हुए ऐसे ले जाओ इस तरीके से। देखो यहाँ पे थीटा मिनिमम है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल से देखोगे आप, ये देखो हॉरिजॉन्टल से देखोगे, ये देखो थीटा मैक्सिमम मिल रहा है, थीटा मैक्सिमम। तो ये बाहर की ओर कर्व बना है इस तरीके के डायग्राम के लिए, और इस तरीके के डायग्राम के लिए अंदर की ओर कर्व बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया हूँ। चलिए ये कैसा यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड दिख रहा है, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड दिख रहा है, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। मैं एक बार में बना दूंगा, एक बार में कैसे बनाऊंगा ये देखिए। अरे यार ये स्ट्रेट लाइन भी तो नहीं आ रहा, चलो मैं इसी का यूज करता हूँ रूलर का। ये स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट नेमिंग कर दिया जाए पॉइंट का, इसको पॉइंट ए मान रहा हूँ, इसको पॉइंट बी मान रहा हूँ, तो पक्का इसका कुछ W किलो न्यूटन पर मीटर तो दिया होगा, तो उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा W, क्या हो जाएगा W L by 2 टोटल लेंगे, क्योंकि टोटल लेंथ अगर L है, W L by 2 हो जाएगा, है ना। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बताइए, L by 3, L by 3, और यहां से यहां तक का फ्लैट वाले पार्ट का डिस्टेंस 2L by 3, ये हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं भी लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पे लोड जो लग रहा है जीरो, तो यहाँ पे जो शियर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी होगी जीरो। यहाँ पे देखो डब्ल्यू एल बाई टू अमाउंट का आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो आप कहीं यहाँ कहीं मार्क कर लो इस तरीके से, ठीक है। और इस पॉइंट पे यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है ना, ये रिएक्शन निकलेगा आपका आर ए, और ये जो रिएक्शन, ये आपने ये जो पॉइंट लोड है इसको कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट है, और जो रिएक्शन आर ए है ये एकदम एक्चुअल पॉइंट लोड है, ये एक्चुअल पॉइंट लोड है। तो एक्चुअल पॉइंट लोड ऑलवेज ग्रेटर देन कन्वर्ट पॉइंट लोड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो इस ए पॉइंट पे एक लंबा सा इस तरीके का छलांग मारना है आपको, ठीक है, ये, और यही होगा आपका आर ए की जो वैल्यू आएगी ना वही होगा, ठीक है, जो भी आएगी आप रिएक्शन जनरली इसका आता है डब्ल्यू एल बाई टू आएगा रिएक्शन, ठीक है, डब्ल्यू एल बाई टू रिएक्शन आएगा। अब देखो, अब ये यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है ना, तो इसका जो ग्राफ है ना गाइज लीनियर नहीं बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड का ही लीनियर बनता है, ऐसा वेयरिंग लोड का यूवीएल का लीनियर ना बनकर इसका कर्व बनेगा। इसका भी कर्व हो क्या हो सकता है, इस तरीके से कर्व हो सकता है और कर्व इस तरीके से हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये देखो यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ पे जीरो है तो जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू जीरो आना चाहिए। थीटा की वैल्यू कब जीरो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम, ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जो लोड है मैक्सिमम लोड आ रहा है, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे जब मैं नीचे की ओर कर्व इस तरीके से बनाऊंगा ना तभी आएगा इस तरीके से, है ना। ये देखिए ये लाइन बनाया, ये मैं आर ए की यहाँ में मिटा देता हूँ ना, ज्यादा सही रहेगा, इस तरह ग्राफ बनाऊंगा तभी, क्योंकि अब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये देखिए थीटा मैक्सिमम मिल रहा है आपको, और ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो मिल रही है, यहाँ पे लोड भी जीरो लग रहा है, यहाँ पे लोड मैक्सिमम लग रहा है। तो आप फिगर देखकर भी आप ग्राफ का आप ये डायरेक्शन दे सकते हो,
दे दिया। नाउ इसी का बेंडिंग मूवमेंट बनाइए, इसी का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, क्योंकि ये लोड नीचे की ओर लग रहा है और यहाँ से इसको रखो, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरीके का एंटी क्लॉक बनेगा, और एंटी क्लॉक मतलब निगेटिव साइन, ठीक है। तो राइट देख रहे हो, एंटी क्लॉक बन रहा है, इधर से ये सेक्शन बनाया, राइट देखो और क्लॉकवाइज मिल रहा है, सेक्शन बनाओ राइट देखो, अगर क्लॉकवाइज मिल रहा है तो साइन निगेटिव, राइट बनाओ क्लॉकवाइज देखो बेंडिंग मूवमेंट निगेटिव। तो राइट बनाया मैंने, सेक्शन के राइट में देखा डब्ल्यू एल बाई टू जो है क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, जाहिर सी बात है निगेटिव, और इस पॉइंट ए पे, बाकी कहीं पे यहाँ पे नहीं है, पॉइंट ए पे यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा है, पॉइंट मूवमेंट दिख रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे छलांग मार दो इस तरीके, जहाँ पे पॉइंट मूवमेंट पॉइंट लोड दिखे छलांग मार दो। तो ये मैं मार दिया छलांग, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना मूवमेंट का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इसकी वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन सिक्स कुछ करके आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन सिक्स। कैसे रिएक्शन निकालना है, मूवमेंट निकालना बता चुका हूँ, तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सेम टू सेम देखो, यहाँ पे थीटा मैक्सिमम बन रहा है, यहाँ पे थीटा मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी थीटा मैक्सिमम, शियर फोर्स में थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम होना चाहिए, थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो होना चाहिए। तो कैसे, कब, ये इस केस में अंदर की ओर बेंडिंग जो होता है ना, इसी के केस में हमारा बनता है, ये देखो, ये देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाया थीटा मैक्सिमम, यहाँ हॉरिजॉन्टल है थीटा की वैल्यू जीरो, ये हमारा हो गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम, इसके लिए UVL के लिए। अब यही डायग्राम को अगर मैं अपोजिट कर दूं तो आप इजीली कर लोगे, यही डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से बना दूं, इसी डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से बना दूं तब भी आप कर ही लोगे। तो ये दीजिए, ये मैंने ऐसे लाइन खींचा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन के कारण एक पॉइंट लोड आ रहा है, यहाँ उछाल छलांग मारेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो यहाँ पे जीरो। अब ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, तो ऐसा ग्राफ बनाओ कि यहाँ थीटा मिनिमम आए, यहाँ थीटा मिनिमम कैसे आएगा और यहाँ पे थीटा मैक्सिमम कैसे आएगा, यहाँ पे थीटा मैक्सिमम को लाना है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बना दिया, ओके, सेम फिगर रहेगा, फिक्स पॉइंट यही रहेगा, ठीक है, फिक्स पॉइंट यही रहेगा, बट इस बार इस तरीके का लोड लग रहा होगा, फिक्स पॉइंट हमारा यही है, ओके, फिक्स पॉइंट यही है। तो ये देखिए पॉइंट लोड हमारा यहीं पे है ना, रिएक्शन आ रहा है, पॉइंट यहीं लग रहा है, तो इसको उछाल कीजिए, ये लीजिए मैंने उछाल कर दिया, जहां पे पॉइंट लोड लगेगा वहां पे आपको जंप ले लेना है आपका जो ग्राफ में, तो ये मैंने जंप ले लिया। अब देखो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, तो ऐसा ग्राफ बनाओगे कि तो यहाँ पे मैं ग्राफ इस तरीके से बनाता हूँ, इस ऊपर की ओर से ये नीचे आएगा, है ना। देखो ये थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल से देखो थीटा की वैल्यू मिनिमम जीरो, ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम इसका। और इसी का अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट बनाऊं, तो बेंडिंग मूवमेंट बनाऊं कैसा, यहीं पे मूवमेंट आपका क्या, यहाँ पे पॉइंट मूवमेंट मिल रहा था, उछाल जाएगा, तो ये मैं उछाल बना दिया। अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे थीटा मैक्सिमम, तो यहाँ भी थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ थीटा मैक्सिमम कब मिलता है, जब ग्राफ इस तरीके से बनता है, पहले ही आपको इस तरीके से, है ना। तो हॉरिजॉन्टल से देखिए, ये देखिए थीटा मैक्सिमम मिल रहा है आपको, शियर फोर्स में यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो, तो हॉरिजॉन्टल से ये वैल्यू देखिए लगभग जीरो के आसपास, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट इसका, ओके। नाउ अब देखिए इस तरीके सबका मैं बनाते जा रहा हूँ, आपको याद करना होगा, ठीक है। ये मैं कैंटिलीवर बीम बनाया, यहाँ पे इस बार लोड मैंने लोड एक्ट किया, डब्ल्यू लोड एक्ट किया, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। तो सेक्शन बनाइए, राइट साइड देखिए, राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और यहीं पे पॉइंट, इसी बी पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो ये छलांग मारेगा, तो ये लीजिए छलांग मार दिया, ठीक है। और फिर ये इस तरह यहाँ पे कोई नहीं लगा है, यहाँ पे एक रिएक्शन निकलेगा, इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन निकलेगा, वो भी पॉइंट लोड है, तो वो भी छलांग मारेगा, तो ये लीजिए छलांग मार दिया, और दोनों की वैल्यू लगभग बराबर ही आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू डब्ल्यू है, तो रिएक्शन भी यहाँ पे डब्ल्यू ही आएगा। कैसे रिएक्शन निकालना आपको पता है, तो ये भी डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू है, ये दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए आपको शियर फोर्स डायग्राम बन गया। नाउ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट, इस पे लोड लगा हुआ है, ये बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड तो यहाँ पे डब्ल्यू है, बट ये एल की वैल्यू क्या है,
बी पॉइंट का जीरो, तो डब्ल्यू इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे रहेगा जीरो, बेंडिंग मोमेंट जीरो। और यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिएक्शन की वजह से एम ए, और ये एम ए जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये लोड ये इस तरफ से, तो ये एंटी क्लॉक, ठीक है। और आप इधर साइड एक्सिस बनाओ और राइट में देखो ये रिएक्शन के कारण कौन सा लोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा है, तो क्लॉकवाइज पक्का आंसर नेगेटिव में आएगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट हमारा नेगेटिव की ओर जाएगा। बट ए पॉइंट पे जो एम ए की जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मूवमेंट, ये पॉइंट मूवमेंट है, तो एक पे पॉइंट मूवमेंट तो डायरेक्ट छलांग मारेगा, मार दिया छलांग, ठीक है, मार दिया छलांग। अब देखो ये ऐसा यहां से यहां तक कैसा गया है, शियर फोर्स में लीनियरली लाइन गया है, तो यहां भी लाइन लीनियर जाएगा, यहां भी जो है बेंडिंग मोमेंट में भी जो लाइन है वो लीनियर ही जाएगा, और ये इस तरीके से लीनियर, ये लीजिए हमारा बन गया इस तरीके के डायग्राम के लिए, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम, क्लियर है। अब ये देखिए ऐसा ग्राफ, अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके का बेंडिंग लग रहा है इस बी पॉइंट पे, ये आपका मूवमेंट लग रहा है एम मूवमेंट, तो या जाहिर सी बात है ये रिएक्शन, ये जो वॉल है इस पे एक रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या है, ये इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए क्या है, पॉइंट मूवमेंट है ना। इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, देखिए सबसे पहला यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट एम तो है बट द लेंथ विल बी, और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा रिएक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एम ए की बराबर ही है, एम ए एम के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे और ये भी, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए बी, दिस इज पॉइंट ए और बी, ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे भी मूवमेंट है इस ये जो मूवमेंट है ये भी पॉइंट पे है, तो छला बी पॉइंट पे मूवमेंट है, बी पॉइंट पे जो मूवमेंट है वो किस तरीके का मूवमेंट है, पॉइंट मूवमेंट है, तो छलांग लगेगा। बट यहाँ पे सेक्शन बनाओ राइट में देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा है, तो निगेटिव, इसलिए नीचे की ओर, ये लीजिए छलांग में मार दिया, छलांग मार दिया, ठीक है। यहाँ पे भी ए पॉइंट पे भी जो हमारा मूवमेंट है वो भी पॉइंट टाइप का है, तो ये भी नीचे की ओर आएगा, छलांग मार दिया। दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि मूवमेंट निकालना, इसकी वैल्यू एम और ये भी मूवमेंट एम, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा, ओके। चलिए इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाइए। सबसे पहले एक रिएक्शन देते हैं एम ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, अभी हमने एक बना था शियर फोर्स डायग्राम इसका भी गाइस, ये पॉइंट बी और पॉइंट ए पे जो शियर फोर्स डायग्राम, ये सिंपल इसी तरीके का बनेगा, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम, जैसे पीछे हमने बनाया था मूवमेंट लगाया, बट इसकी जो बेंडिंग मूवमेंट है ना गाइस वो डिफरेंट बनेगी, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट ए पे कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं है, पॉइंट ए पे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये जो मैंने ये मान लिया ये हो गया, ये हमारा मूवमेंट हो गया, ठीक है। क्या वैल्यू जाएगी इस मूवमेंट का, जो मूवमेंट है एम और ये पूरा ओवरऑल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट मूवमेंट नहीं है, तो मैंने इसको जीरो रखा, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ तो मैंने इसको रखा, और यहाँ पे पॉइंट ए पे जो मूवमेंट है वो किस तरीके का मूवमेंट है, पॉइंट मूवमेंट है, और कहीं भी पॉइंट लोड या पॉइंट मूवमेंट लगे तो वहां छलांग मारता है, ये लीजिए ये छलांग मार दिया। यहाँ मूवमेंट आप कैलकुलेट करोगे ना इसका, तो यहाँ इसका जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी एम एल के बराबर आएगी, ठीक है, एम एल। तो ये कुछ इसका जो ग्राफ इस तरीके से लीनियर ग्राफ बनेगा इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट तो लग नहीं रहा है सिंगल, क्योंकि ये जो लोड है ना ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है, ना कि पॉइंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ के हर पॉइंट पे जो वैल्यू होगी ना इस तरीके से बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट इस पॉइंट पे जीरो, बट इस पॉइंट पे पॉइंट मूवमेंट एक्ट हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, और इस तरीके से पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बन गया हमारा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा ये, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट, सिक्स पॉइंट तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक रिएक्शन दिखेगा आपको, दिस इज आर ए, सिक्स है नहीं तो आपको मूवमेंट तो देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिक्स पॉइंट तो नहीं, सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो भी वर्टिकल, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में आपको आर ए और आर बी मिलेगा। इसका बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स कैसा बनेगा, बहुत आसान गाइस, सिंपल एक लाइन खींचना है आपको, ये लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। तो एक मैं सेक्शन ड्रॉ करता हूँ ताकि एक वो मिल जाए मेरे को, ये मैंने एक सेक्शन ड्रॉ कर दिया, इस सेक्शन के राइट में देखिए, तो बी पॉइंट पे हमारा जो लोड राइट में देखिए अपवर्ड लग रहा है, राइट में अपवर्ड, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने क्या पढ़ा था, राइट साइड में देखिए अपवर्ड को निगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है ये चीज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे,
मैंने राइट एक्सेक्शन बनाया, राइट साइड में देखा अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड ना लगकर अपवर्ड लग रहा है, तो निगेटिव, तो बी पॉइंट पे आपको निगेटिव मतलब नीचे की ओर जाना है, ये तो आइडिया होगा कि बी में आपको निगेटिव नीचे की ओर जाना है। बट ध्यान से देखो बी पॉइंट पे आपका जो रिएक्शन है ये किस तरीके का रिएक्शन है, पॉइंट रिएक्शन है, ये छलांग मारेगा, तो ये लीजिए ये छलांग मार दिया, जंप कर दिया यहाँ तक। उसी तरह ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आप यहाँ पे सेक्शन बनाइए, राइट में देखिए तो राइट में ये जो पॉइंट है अपवर्ड जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है, सॉरी ओके इसको इस तरीके से बनाते हैं ना, राइट में देखें अपवर्ड, तो लेफ्ट में अगर देखें, लेफ्ट में देखिए और अपवर्ड जा रहा है लेफ्ट, राइट में अपवर्ड को आपने निगेटिव लिया तो लेफ्ट डायरेक्शन में अपवर्ड को क्या लोगे, पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है, इसके लिए जो होगा और पॉइंट लग रहा है तो ये जंप कर जाएगा, ये भी जंप कर जाएगा, तो ये लीजिए जंप कर गया, क्लियर है। और यहाँ देखिए यहाँ पे पॉइंट लोड आपका लग रहा है, ये सी पॉइंट पे जो पॉइंट लोड लग रहा है, ये सी पॉइंट पे जो पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखिए ये इधर जंप किया, इधर जंप किया, तो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने के लिए और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि इस पॉइंट से हम इस तरीके के लोड ले जाएं, ठीक है। ये देखिए तो ये लोड जो लग रहा था सेंटर पॉइंट पे, जो ये लोड लग रहा था सेंटर पे लग रहा हो, चाहे थोड़ा सा अगर ये इधर भी लग रहा होगा तो भी इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए इस तरीके के बॉन्ड बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम में इस तरीके का पॉइंट आ जाता है, तो जहां पे शियर फोर्स डायग्राम में, शियर फोर्स डायग्राम में क्योंकि ये पॉजिटिव साइन था और ये निगेटिव हो गया, जहां पे शियर फोर्स डायग्राम में साइन चेंज हो रहा है, देखिए पॉजिटिव से ग्राफ निगेटिव हो रहा है, तो वहां पे जो आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा ना गाइस, उसी पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जानते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब भी होता है तो पैराबोला बनता है, देखिए हमने जितना भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का बेंडिंग मूवमेंट बनाया तो वो पैराबोलिक टाइप का बनाया है ना, पैरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जहां जहां लगाया है तो पैराबोलिक बना है हमारा, यहाँ भी हमारा पैराबोलिक ही बनेगा, बट सेंटर जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम के सेंटर क्रॉस किया है, साइन चेंज किया है, वहां पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम आएगा, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम लाने के लिए शियर फोर्स डायग्राम हमारा ऐसे ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। ये देखिए ये मैक्सिमम आ गया, ये पॉइंट आपका यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट है आपका क्या है, बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। अब कहोगे सर ये ग्राफ तो इस तरीके का भी बन सकता है, सेंटर पे ही मैक्सिमम चाहिए, तो ये लीजिए मैक्सिमम ले आया, ये ग्राफ इस तरीके का भी बन सकता है ना, अंदर की ओर झुका हुआ इस तरीके का भी ग्राफ बन सकता है, नहीं बनेगा ना गाइस। यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रही है हॉरिजॉन्टल से, यहाँ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अब और इसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगभग जीरो है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, हाँ थीटा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से जीरो, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो ही है। यहाँ देखिए यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है और यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ शियर फोर्स मैक्सिमम है तो यहाँ पे थीटा मैक्सिमम आना चाहिए, शियर फोर्स मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए बेंडिंग, शियर फोर्स यहाँ पे बी पॉइंट पे मैक्सिमम है तो थीटा भी मैक्सिमम आना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा देखिए मैक्सिमम आ रहा है, बट इस केस में हॉरिजॉन्टल से थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है ना, जीरो के आसपास, इसलिए ग्राफ ऐसा ना बन के इस तरीके से बनेगा। फंडा क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये लोड हमारा डब्ल्यू लग रहा है, तो जब भी हमारे किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे सेंटर में अगर लोड डब्ल्यू लगता है तो उसका जो रिएक्शन आता है ना गाइस, उसका रिएक्शन आता है वो क्या आता है, इट इज डब्ल्यू बाई टू, ठीक है, हाफ हो जाता है लोड, रिएक्शन जो होगा डब्ल्यू बाई टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इसका भी डब्ल्यू बाई टू है, इसका भी डब्ल्यू बाई टू है, इसका शियर फोर्स डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये मैंने लाइन खींचा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट ए मैं लिख रहा हूँ और दिस इज पॉइंट बी, ओके। सेक्शन ड्रॉ कीजिए, राइट में देखिए, राइट में देखिए अपवर्ड, राइट में अपवर्ड मतलब निगेटिव, तो ये नीचे आएगा और इसी पॉइंट पे लोड लगाया तो ये जंप कर गया, तो ये लीजिए जंप कर गया, यहाँ पे कितना जंप कर गया, W बाई टू तक जंप कर गया। अब इस पॉइंट पे आइए, अब लेफ्ट सेक्शन ड्रॉ कीजिए, लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, ये लीजिए और इस पॉइंट पे डायरेक्ट पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है तो जंप कर गया, कितना जंप कर गया, प्लस डब्ल्यू एल बाई टू, प्लस डब्ल्यू इसकी वैल्यू आएगी, प्लस इसकी वैल्यू आएगी माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ये हो गया। और बीच में लोड लग रहा है तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको क्रॉस करना होगा, क्रॉस करना होगा। बट ध्यान दो, ध्यान क्या देना है गाइज, यहाँ पे पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया, पीछे वाले क्वेश्चन में किया, तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो लग रहा था उसको कन्वर्ट किया इस पॉइंट लोड में, तो इसकी कोई तो कन्वर्ट किया ताकि हमें रिएक्शन निकल जाए, तो रिएक्शन ए निकला, वो पॉजिटिव रिएक्शन बी निकला माइनस, और ये पॉजिटिव माइनस को जोड़ने के लिए मैंने ऐसा लाइन जोड़ा, और ये जहाँ पे हम जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पे जहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया पी में, वहाँ पे वैल्यू आ गई जीरो।
बट यहाँ पे हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया, यहाँ पे लोड एक्चुअल में लग रहा है, वहां पे एक्चुअल में लोड नहीं लग रहा था, यहाँ पे एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, हमने उसको कन्वर्ट किया, बट यहाँ पे एक्चुअल में लोड लग रहा है इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे लोड लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू है, ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये, ठीक है, तो ये डब्ल्यू बाई टू और इधर भी डब्ल्यू बाई टू, तो डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू डब्ल्यू, इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा इसका, ठीक है। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाए तो बहुत आसान है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्स, और जानते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड के लिए कैसा बनता है, लीनियर बनता है। और आप देखो जब भी हमारे शियर, किसी शियर फोर्स डायग्राम में जब भी हमारा साइन चेंज हो रहा हो, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा हो, तो बेंडिंग मूवमेंट उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में उस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, हमें इस पॉइंट पे मैक्सिमम लाना है। लोड किस तरीके का लग रहा है पॉइंट, तो लीनियर आएगा, तो लीनियर हमारा इस तरीके का लीनियर आ जाएगा, ठीक है। लीनियर ये लीजिए हमारा बन गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। ये लीजिए मूवमेंट लग रहा है इस तरीके, इसका अब क्या बनेगा, अब ये मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन ही डेवलप होगा, आर ए रिएक्शन डेवलप होगा और ये आर बी रिएक्शन डेवलप होगा। और इस तरीके का रिएक्शन क्या आता है आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ, कोई क्वेश्चन कराया हूँ ना इस तरीके का जहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट किए थे अपन, ये देखिए ये क्वेश्चन कराया था ना, रिएक्शन कैलकुलेट क्या आया था, आर ए माइनस एम अपॉन ए आर ए आया था और आर बी कितना आया था, प्लस एम अपॉन एल आया था। बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पे पुट कर देना है वैल्यू, आर ए की वैल्यू कितना आ रहा था, दैट इज माइनस एम अपॉन टू और आर बी की वैल्यू आ रहा था प्लस एम अपॉन टू। और पॉइंट लोड लग रहा है हमारे बी और ए पे, तो जाहिर सी बात है जंप करेगा, तो लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव जंप होगा, यहाँ पे नेगेटिव जंप होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट लोड तो है नहीं, यहाँ पे तो मूवमेंट है, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक, समथिंग गोज रॉन्ग, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ए बी, ये मैंने सेक्शन बनाया, सेक्शन बनाया, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है ना, सेक्शन बनाया, राइट में देखा, राइट में अपवर्ड माइनस, ये प्लस में, राइट में अपवर्ड माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये नीचे की ओर जंप करेगा, पॉइंट लोड लग रहा है, ये डायरेक्ट जंप कर जाएगा m बाई टू तक, ठीक है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम में ये माइनस m बाई टू हो गया। नाउ लेफ्ट में देखिए, राइट में अपवर्ड को आपने लिया निगेटिव, तो लेफ्ट में अपवर्ड को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, बट इसकी रिएक्शन की वैल्यू माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी नीचे की ओर आ गया, कितना माइनस एम बाई टू, दोनों की वैल्यू सेम है, ये लीजिए ये बन गया रिएक्शन इसका नेगेटिव, नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम बन गया इसका, ठीक है। इस तरीके से भी सोचना है चीजों को, डायरेक्ट ऐसे नहीं कूद जाना है। सो इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस तरीके से बनेगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम, ठीक है। भाई बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना। देखिए इस पॉइंट पे कोई बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है तो बेंडिंग मूवमेंट होगा जीरो, इस पॉइंट पे भी नहीं लग रहा है जीरो, इस पॉइंट पे जो बेंडिंग मूवमेंट है ना गाइस वो क्या है, लग रहा है, और वो भी किस तरीके के लग रहा है, पॉइंट बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, एक ही लग रहा है ना पॉइंट बेंडिंग मूवमेंट, ये इस पॉइंट पे हमारा उछाल मारेगा, इस पॉइंट पे हमारा उछाल मारेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान पे, यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन बनाओ, ठीक है, और इसको देखो ये किस डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शन बनाओ, राइट में देखो, और ये आरबी क्या ले रहा है, आरबी क्या ले रहा है, आरबी ले रहा है एंटी क्लॉक, आरबी एंटी क्लॉक ले रहा है, तो राइट में देखो एंटी क्लॉक ले रहा है, तो अपन कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, कहाँ गया भाई, राइट में देखो एंटी क्लॉक ले रहा है तो पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो राइट में बी के लिए, राइट में ये एंटी क्लॉक ले रहा है तो पॉजिटिव ग्रुप बनेगा, और पॉइंट मूवमेंट है सिंपली, तो लीनियर ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ये हो गया प्लस एम एल बाई टू, ठीक है, या एम बाई टू, ठीक है, मूवमेंट अपॉन टू। और ये लेफ्ट में देखिए, ये तो निगेटिव बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लीनियर वही बनेगा, ये हो गया माइनस एम बाई टू। अब ये पॉइंट को जब भी गाइस बेंडिंग मूवमेंट, याद रखना बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जब भी साइन चेंज होता है, बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, वो जो पॉइंट होता है ना गाइस, उस पॉइंट को अपन कहते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट।
शियर फोर्स में प्लस माइनस चेंज होना, इसका मतलब इसको इस पॉइंट को कंट्राफेक्चुअल नहीं कहेंगे क्योंकि शियर फोर्स में चेंज हुआ है। शियर फोर्स में प्लस से माइनस चेंज होने का मतलब ये है कि बेंडिंग मूवमेंट उस पॉइंट पे जहां पे चेंज हुआ है उस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। बट अगर बेंडिंग मूवमेंट में प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफेक्चुअल, याद रखना ये चीज, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए ये आपके सामने ये दो क्वेश्चन रखा हूं मैं, इनका आप शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाइए सिर्फ देखकर ट्रिक से, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है, यहां पर रिएक्शन आ रहा होगा आर बी, दिस इज आर ए, यहां भी रिएक्शन आ रहा होगा आर ए, ये है पॉइंट सी, ये मैक्सिमम दिखा रहा है पॉइंट सी पे, तो छलांग मारेगा। यहां पे रखिए सेक्शन, राइट में देखिए अपवर्ड मतलब निगेटिव, राइट में देखिए अपवर्ड जा रहा है मतलब निगेटिव की ओर, और पॉइंट लोड लगाए तो छलांग मार दीजिए। लेफ्ट में देखिए अपवर्ड मतलब, लेफ्ट में अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, ये पॉइंट लोड लग रहा है तो छलांग मार दीजिए। ये है पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी, अब इनको ज्वाइंट करना है, बट ये कैसा है, ये वेयरिंग लोड है। अब वेयरिंग लोड का जो ग्राफ बनता है लीनियर नहीं बनता है, वो थोड़ा कर्विलीनियर बनता है, तो कर्विलीनियर बनाना है। कर्विलीनियर अब कैसा कर्विलीनियर बनेगा, कैसा कर्विलीनियर बनेगा, अंदर तरफ से बनेगा या बाहर तरफ से बनेगा, वो देखिए इस पॉइंट पे शियर ये वैल्यू जीरो है ना, थीटा की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट पे यूवीएल है कम, इस पॉइंट पे यूवीएल क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यूवीएल यहाँ पे बढ़ता जा रहा है मतलब इस पॉइंट पे यूवीएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इस पॉइंट पे जो कर्व बनेगा वो उसकी वैल्यू और मैक्सिमम कब होगा, जब वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो देखिए हॉरिजेंटल से ये बन गया थीटा मैक्स है ना, और ये हॉरिजेंटल से क्या बन गया थीटा जीरो के आसपास, ये सही है। उसी तरह नीचे में यहाँ पे मैक्सिमम बनना चाहिए फिर कम हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखिए थीटा यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, क्यों मैक्सिमम बन रहा है, यहाँ पे यूवेल की वैल्यू भी तो ज्यादा है ना यहाँ पे, फिर ये कम होता जा रहा है, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई जीरो। ये लीजिए शियर फोर्स डायग्राम, क्लियर है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा इसका, देखिए बेंडिंग मूवमेंट कर्व तो बनेगा, ये तो क्लियर है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या होगा बेंडिंग मूवमेंट तो है नहीं, तो जीरो होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और जब भी शियर फोर्स डायग्राम में जब साइन चेंज होता है पॉजिटिव से निगेटिव, तो बेंडिंग मूवमेंट हमेशा क्या होता है वहां पे मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ग्राफ, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखिए कम से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट, और ये ग्राफ इस तरीके से सूटेबल है ना, एंड दिस इज लाइक दैट, ओके, ये मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल गया, खत्म काम। सेम इसके लिए बनाइए शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, तो सेक्शन बनाया, इधर देखा ये जो आर ए है ना, और ये अपवर्ड जा रहा है तो निगेटिव जाएगा पक्का, जाहिर सी बात है, तो ये निगेटिव चला गया। सेक्शन बनाइए, लेफ्ट में देखिए लेफ्ट के अपवर्ड को क्या बोलते हैं पॉजिटिव, तो ये ऊपर की ओर, और पॉइंट लगाए तो जंप कर जाएगा, लेकिन देखिए ये ज्यादा है इधर और ये कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो बनना चाहिए, तो इस तरीके का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा ना तो ही जीरो बनेगा, मतलब किस तरीके ग्राफ, अगर मैं इस तरीके का ग्राफ बनाऊं तो ही यहाँ पे जीरो बनना चाहिए थीटा, यहाँ थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो इस तरीके का बनाऊंगा वैल्यू, ठीक है। ये देखिए हॉरिजेंटल से ये थीटा मैक्सिमम बन रहा है कि ये ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ये देखिए थीटा हॉरिजेंटल से कितना बन रहा है जीरो, उसी तरह यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी अंदर की ओर से, तो ध्यान से देखना इस डायग्राम और इस डायग्राम दोनों में समान, और यहाँ पे अगर एसएफडी अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा हो, एसएफडी अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस तरीके का बनेगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा और लाइक दिस, ठीक है। सो अब मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल में वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाए थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा लोड किस तरीके के लोड का ग्राफ कैसा बनता है, लोड बना रहा हूँ, यहाँ पे एसएफडी बनाऊंगा और यहाँ पे बीएमडी बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट लोड कहीं पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन बनेगा इस तरीके का, दिस ए दिस इज बी है ना, हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, क्लियर है। और बेंडिंग मूवमेंट कैसा बनेगा, इंक्लाइंड लाइन बनेगा, इंक्लाइंड लाइन बेंडिंग मूवमेंट बनेगा, किस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का, क्लियर है।
पॉइंट लोड में, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब पूरे पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, एसएफडी कैसा बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा, एसएफडी कैसा बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा, वो ऐसा भी हो सकता है या इधर से ऐसा भी हो सकता है, इंक्लाइंड लाइन बनता है। और बीएमडी कैसा बनेगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक बनेगा, अब वो पर पैराबोलिक ऐसा भी हो सकता है, वो पैराबोलिक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यूवीएल, यूवीएल मतलब ये हुआ यूवीएल हमारा, है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसमें जो एसएफडी बनता है वो पैराबोलिक बनता है, अभी जस्ट हमने एसएफडी पैराबोलिक तो बना रहे थे पीछे, ये देखिए एसएफडी ये पैराबोलिक बन रहा था, और जो हमारा बीएमडी है वो भी क्या बनेगा, क्यूबिक पैराबोलिक, क्यूबिक पैराबोलिक बनता है, ये रहा कंप्लीट इस तरीके का, ओके, या फिर इस तरीके का। और आपका अगर प्योर बेंडिंग हो रहा है कहीं पे, सिर्फ और सिर्फ प्योर बेंडिंग हो रहा है, प्योर बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, ठीक है, मतलब शियर फोर्स विल बी जीरो, क्लियर है, हॉरिजेंटल लाइन मतलब इस तरीके का बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो भी हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, बट द बेंडिंग मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी सिर्फ एक लाइन बनेगी, ठीक है, ये चीज याद कर लो, किस तरीके के लोड में किस तरीके का एसएफडी और बीएमडी बनता है, इससे आसान का आपको मैं बता तो दिया हूँ, डायरेक्ट पॉइंट लोड लगे तो जंप कर जाना है, कर्व ऊपर से बनेगा नीचे बनेगा, ये सब आइडिया तो हो गया है ना, बस याद रखना यूडीएल में पैराबोलिक बनता है बीएमडी, यूवीएल में क्यूबिक पैराबोला, और ये दोनों पैरा यूवीएल में जनरली याद रखो दोनों पैराबोला बनता है, यूडीएल में एक इंक्लाइंड एक पैराबोला, पॉइंट लोड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है और एक इस तरीके से इंक्लाइंड बनेगा, प्योर बेंडिंग में मतलब सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग भी मूवमेंट ही लगा हो उसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन एसएफडी बनेगा, बीएमडी सिर्फ लाइन बनेगा, ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। सो डिफ्लेक्शन, अब हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, डिफ्लेक्शन में गाइस एक होता है स्लोप, ठीक है, और एक होता है डिफ्लेक्शन, जनरली चैप्टर का नाम होता है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। स्लोप को हम जनरली थीटा से दिखाते हैं और डिफ्लेक्शन को हम वाई से दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं एक कैंटिलीवर बीम बनाता हूं और मैंने इस पे एक मूवमेंट एक्ट किया, इस मूवमेंट की वजह से हो सकता है ये कैंटिलीवर जो बीम है ना कुछ इस तरीके से ऐसा हो जाए, हो जाएगा ना, ये जो थीटा टर्न किया ये होगा, हो जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व, एंड कितनी दूरी ये यहां तक गया इसको अपन कहते हैं दैट इज वाई। अब यहाँ पे इसको मैं जैसे ये पॉइंट से मैंने किया, जैसे यहां से ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, वाई मैक्स होगी, है ना, यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या, वाई वन, तो ये क्या है, ये है कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ और थीटा बता रहा है कि इसका भाई स्लोप क्या है, क्लियर है, इस तरीके से बताना है। तो ऐसे करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, डिफ्लेक्शन और स्लोप किसी भी बीम का, उस डबल इंटीग्रेशन मेथड, मूवमेंट एरिया मेथड, सुपरपोजिशन थ्योरम मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है, और कॉन्जुगेट बीम मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, सबसे आसान मेथड है और बहुत क्विक मेथड है, बहुत जल्दी आप कर सकते हो, वो है हमारा दैट इज मूवमेंट एरिया मेथड। एक ही बताऊंगा, पूरा नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे, मूवमेंट एरिया मेथड बहुत आसान होता है। क्या होता है मूवमेंट एरिया मेथड, पहले आप इसको, मैं जो चीज लिख रहा हूं इसको देख लीजिए, जनरली इसको मोर्स थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम लोग मोर्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, मोर्स थ्योरम कहते हैं। क्या होता है इसमें, जो पहला इसमें होता है मोर्स थ्योरम, ए मोर्स थ्योरम होता है, जो क्या करता है हमें स्लोप निकालने का, तो थीटा बी माइनस थीटा ए जो होता है इक्वल, किसके इक्वल होता है, वो होता है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन ई आई, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, इसका जो बॉन्डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज बी
और दिस इज ए, तो बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे मूवमेंट लगाया है तो यहाँ रेजिस्टिंग मूवमेंट दोनों पॉइंट पे क्या होगा मूवमेंट, इस पॉइंट पे पॉइंट मूवमेंट लगाया तो जंप कर जाएगा, और यहाँ सेक्शन से देखो इधर एंटी क्लॉक तो निगेटिव, इधर भी निगेटिव, ये इस तरीके है, तो ये माइनस मूवमेंट आएगा, माइनस वैल्यू आएगा। ये कितना नीचे गया एम, और ये ओवरऑल बीम का लेंथ कितना था, बीम का लेंथ था एल, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो थीटा बी माइनस थीटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी वो रहने देते हैं, पहले एरिया वाला बात करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया अपॉन ई आई, ये होता है फॉर्मूला है ना, ए और बी के बीच का ये जो पूरा सेक्शन है इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी हमारी दैट इज मूवमेंट दिस विड्थ इनटू दिस लेंथ एम एल अपॉन ई आई, क्योंकि ये निगेटिव कर्व है, निगेटिव कर्व है नीचे की और इसलिए साइन माइनस में होगा। बट यहाँ पे बोलोगे सर तो फिर थीटा बी माइनस थीटा ए आया ना, तो यहाँ पे जब भी ये फॉर्मूला का यूज करते हैं इन दैट केस थीटा ए की वैल्यू आपको जीरो रखनी है, बिकॉज ए इज द रेफरेंस पॉइंट, ए आपका क्या है, ए रेफरेंस पॉइंट होता है, ए इज द रेफरेंस पॉइंट, देखिए ए इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एंड द स्लोप एट ए, द स्लोप एट दैट रेफरेंस पॉइंट विल बी जीरो, देयरफॉर द थीटा बी की वैल्यू आ गई आपकी, क्योंकि डिफ्लेक्शन यहाँ से तो हो नहीं रहा है, ठीक है यहीं डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, एक पॉइंट तो फिक्स है, डिफ्लेक्शन आ गया आपका एम एल अपॉन ई आई, लीजिए कैलकुलेट हो गया डिफ्लेक्शन आपका, सॉरी स्लोप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बन नहीं रहा है, स्लोप यहाँ ही मैक्सिमम बनेगा, तो स्लोप आपका निकल गया। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्लोप कैलकुलेट करने का विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट एरिया मेथड थीटा बी। अब ये हमेशा ऐसे ही चलेगा थीटा बी माइनस थीटा ए, ऐसे ही अगर ए बी और तीसरा पॉइंट एक और आ गया, मान लीजिए एक और पॉइंट आ गया सी, इन दैट केस इन दोनों के बीच का अगर निकालना है, अगर इन दोनों के बीच का स्लोप निकालना है तो क्या लिखोगे, यहाँ पे थीटा सी माइनस थीटा बी लिखोगे, क्लियर है। और एरिया क्या, एरिया इन दोनों इसके अंदर के जो एरिया है ना वो होंगे, क्लियर है। और जो बी पॉइंट होगा, सॉरी जो सी पॉइंट होगा, सी पॉइंट को सॉरी थीटा सी माइनस बी है ना, तो बी पॉइंट का जो थीटा की वैल्यू जीरो कर पुट कर दोगे और यहाँ से आपका थीटा सी मिलेगा, ठीक है, जो भी एरिया है। इस तरीके से हमेशा ऐसे ही चलना है, बी थीटा बी माइनस थीटा है, वेयर ए इज द रेफरेंस पॉइंट एंड देयर स्लोप विल बी जीरो, जीरो पुट करोगे और एरिया क्या हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम उसका बनाओ, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में इसका उसका एरिया कैलकुलेट करो, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का अंदर वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट करो, पुट करो अपॉन ई आई, काम खत्म। नेगेटिव साइड में बन रहा है तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, पॉजिटिव बन रहा है तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, काम खत्म हो गया, ठीक है। नाउ इसी का अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, स्लोप कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने मूवमेंट लगाया, अगर डिफ्लेक्शन हुआ, ये हमारा इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो गया वाई, वाई मैक्सिमम इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है फॉर एग्जाम्पल दिस और दिस, इसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग मूवमेंट एरिया मेथड कि y b माइनस y c इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाइए पहले उसका मूवमेंट उसका एरिया जो निकालिए उस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के अंदर कर्व के अंदर का एरिया बिटवीन a एंड b अबाउट पॉइंट b, पॉइंट b के अबाउट मतलब c g। तो ये क्या हो गया बी एम डी डायग्राम बनाइए, एरिया ऑफ बी एम डी डायग्राम मतलब एरिया अपॉन ई आई इंटू एक्स बार, एक्स बार क्या है गाइस, एक्स बार है आपका सी जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जैसे इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अभी हमने बनाया था, दिस इज बी दिस इज ए और इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निगेटिव की ओर बनता है ना, दिस इज एल पूरा और दिस इज एम, ठीक है, ये पूरा बी के अबाउट सेक्शन, ये बी के अबाउट इसकी सी जी, तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा जो एरिया है ये बी के अबाउट जो सी जी होगा, कहीं सी जी हमेशा सेंटर पूरे एरिया के सेंटर पे बनेगा, ये पूरा लेंथ एल है तो सी जी जो बी के अबाउट, बी के अबाउट बी से सी जी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल बाई टू, ठीक है, बी से सी जी तक का स्पेन, ए से नहीं, क्योंकि अभी तो ग्राफ ऐसा बन गया, अगर ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट अगर हमारा इस तरीके का बनना होता, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा बी से लेंगे एल बाई टू, x की वैल्यू आ जाएगी l by 2 और एरिया क्या हो जाएगा m into l, एरिया m into l upon ei into x bar की जगह पुट कर दीजिए l by 2, ठीक है, और एरिया की नेगेटिव में तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ये आ जाएगा m l minus m l square upon 2 ei और ये आपका निकल जाएगा क्या
और जो सी पॉइंट है इसको आपको पुट कर देना है जीरो, ठीक है। सॉरी यहां मैं बी क्यों ले, ए और बी है ना, तो वाई बी माइनस वाई ए होगा, वाई बी माइनस वाई ए, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी होता है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट हियर, द पॉइंट बी इज द ओरिजिन पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन इज टू इफेक्टेड, वेयर द स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन इफेक्टेड, ठीक है, बी पॉइंट। तो ए वाला क्योंकि मैक्सिमम तो यहीं पे हो रहा है ना स्लोप, बी पॉइंट पे, ए पे तो स्लोप यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो जीरो, तो वाई ए डिफ्लेक्शन जीरो पुट कर दीजिए, देयरफॉर वाई बी डिफ्लेक्शन, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एक्चुअली मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, क्लियर है। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं एक सी पॉइंट मार्क कर दिया, सी पॉइंट, अब इस सी पॉइंट पे y1 की वैल्यू बताइए, यहाँ पे कितना हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है ये बताइए, ठीक है। तो कुछ नहीं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, ये पॉइंट को c बोला जा रहा है ना, ये हमारा c, दिस इज a, दिस इज b, ओके। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाए, ये m, ये कितना, ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ l है, तो ये हो जाएगा l by 2, ठीक है। और ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, निगेटिव है। तो YB C का पूछा है ना, C पॉइंट पे पूछा है, C पॉइंट पे पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन, इसके लिए अपन इस तरीके से करेंगे, इसको मिटाते हैं, C पॉइंट पे पूछा है ना डिफ्लेक्शन, तो इस तो YC C है, तो YC माइनस YA करते हैं अपन, यहां से यही पॉइंट पे, जैसे A और B के बीच में YB माइनस YA लिखते थे, उसी तरह मैंने ए और सी पॉइंट लिया है, ए और सी पॉइंट लिया है, तो क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन, सी माइनस ए, सी माइनस वाई ए, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया डेट इज एम एल एरिया अपॉन इसका एरिया डेट इज एम इंटू एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया एल नहीं होगा, एल बाई टू होगा, क्योंकि एरिया इस बार हमें सिर्फ हाफ सेक्शन का चाहिए, ए से सी तक का इतने पार्ट का एरिया चाहिए, तो एम इंटू दिस एल बाई टू, तो एरिया क्या हो जाएगा, एम एल बाई टू और नीचे ई आई इंटू एक्स बार, एक्स बार, तो एम एल बाई टू ई आई, क्योंकि निगेटिव में है तो माइनस में रखिए, जरूर इसको माइनस में रखिए, इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा, सी पॉइंट से सेंटर ऑफ सी जी का वैल्यू, सी जी हमेशा यहाँ पे होता था, तो ये कितना है, एल बाई टू है, तो यहाँ से एल बाई टू का भी आधा क्या हो जाएगा, एल बाई टू का हाफ एल बाई फोर, तो सी पॉइंट से यहाँ तक सी जी का डिस्टेंस एल बाई फोर, ये हो गया, तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस एम एल स्क्वायर अपॉन फोर टू जो एट ई आई, ये आ गया, वेयर ए इज जीरो, तो यहाँ से वाई सी निकल गया आपका कितना, एम माइनस एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई, ये लीजिए सी पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन निकल गया। तो आपने जो पीछे किया, जो सी पॉइंट वाई वन की वैल्यू जो है, वाई वन डेट इज आपकी आ गई, वाई वन की वैल्यू कितनी आ गई, ml square upon 8 ei उस पॉइंट पे, डिफ्लेक्शन पूछता उसी पॉइंट पे, तो डिफ्लेक्शन क्या निकालते, सॉरी डिफ्लेक्शन तो निकल गया ना, स्लोप पूछता तो कैसे निकालते, स्लोप भी वैसे ही करते, a और b में थीटा b माइनस थीटा a लिखते थे, a और c में क्या लिखेंगे, थीटा c माइनस थीटा a व्हिच इज इक्वल टू एरिया, तो उस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, इस सेक्शन का एरिया माइनस में, तो पहली बात तो पूरा सिस्टम माइनस में है, तो माइनस में ml upon 2 EI, ये हो गया हमारा, सो वेयर थीटा ए को क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो थीटा सी, तो डिफ्लेक्शन एट वन, वाई वन है तो थीटा वन भी होगा उस पॉइंट पे, माइनस एम एल अपॉन टू ई आई, ये आ गया उस पॉइंट का स्लोप, स्लोप भी आ गया। इसी तरीके से किसी भी तरीके का आपका ग्राफ बना, किसी भी तरीके का अगर आपका क्या करना है, सबका पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, यूबीएल हो, सबका क्या करना है गाइस, आपको बीएमडी बनाना है, और बीएमडी बनाकर जो तरीका मैं आपको बताया हूं, बिकॉज दिस इज मूवमेंट एरिया मेथड, मोस्ट थ्योरम भी कहते हैं, इसकी हेल्प से आप दिस इज स्लोप, स्लोप और आप इसकी वजह से इसी फॉर्मूले की हेल्प से डिफ्लेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो डिफ्लेक्शन का है, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा।